लगाओ सब लोग, ए मास्क लगा बेटा, मास्क लगाओ वरना बाहर जाओ। चलो जो तो बाहर जाओ बेटा, बाहर जाओ वरना मास्क लगाओ, बाहर जाओ। तुम लोग अभी हल्की नहीं चीजें है ना, गुड मॉर्निंग भाई, आ गए सब लोग? दिखाओ जरा बेटा कॉपी, दिखाओ क्या पढ़ाया था। तो कल रिजल्ट आ गया जेल, तो काफी मेरिट आई गई है, लगभग मान के चलो 612 614 14 612 614 के बीच में कट ऑफ जो है वो जाएगा। और ऑल इंडिया का कट ऑफ तो इधर आ जाओ बेटा, इधर उधर पे वो कैमरा मैन जो है झुक के आओ, तो आप देखिए कट ऑफ काफी हाई जा रहा है। देखिए बट अगले साल इतना ही नहीं जाएगा, अब पेपर इतना सरल बनाओगे तो क्या होगा, यही होगा। अरे कल की बात मैं आपको बताऊं, एक नंबर पे 550 बच्चे हैं, आप बताओ एक नंबर पे 550 बच्चे हैं, और पीछे जाकर मतलब पीछे वाली रैंक में एक नंबर पे 550, और आगे आ जाओ कि 4000 पे आ जाओ तो एक नंबर पे 250 बच्चे, इतना सारा बच्चा एक एक नंबर पे है, आप समझिए। तो पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड होना चाहिए तो ठीक रहता है। अच्छा भाई चलिए, क्या तुम लोगों ने घर पर हाइब्रिडाइजेशन को कंसेप्चुअल तरीके से निकालने का प्रयास किया था? है क्या तरीका था, कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं जितने उसने बॉन्ड बनाए होते हैं, उसके बाद हम उठाकर हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग ओवरलैपिंग करके केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये होता है कंसेप्चुअल तरीका, ठीक है। आओ जैसे आराम से, जैसे देखो बेटा मान लो एक बार ऐसे करते हैं, हमने आपसे बोल दिया कि भाई ऐसा है POCl3, आपको अब लिख रहे हैं नहीं तो रिवीजन कराएंगे, कल क्लास नहीं लूंगा, कल संडे है, कल आपको रिलैक्स दे रहा हूं क्योंकि कल बहुत सारा काम करना है, कल के लिए HW बहुत ज्यादा है, और कल आपका टेस्ट पेपर भी है ना, सुन लो पहले HW दे दे रहे हैं, पहले HW की बात कर ले रहे हैं, HW सैटरडे, आज सैटरडे है ना, तो आपका HW क्या है, कल बेटा HW क्या दिया था हमने, कल हमने आपको 75 से 100 मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन दिए थे, और पीरियोडिक टेबल की एक्सक्लूसिव सीट 1, कितने लोग कर रहे हैं मेरा काम आज, कितने लोग कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ा वो हटाओ, कितने लोग काम कर रहे हैं, जो भी कुछ बहुत कर रहे हो काम कर रहे हो तुम लोग बताओ, आज जितने लोग हमारा काम कर रहे हैं जरा एक थंब बनाकर हमको व्हाट्सएप करेंगे, कितने लोग काम कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है बेटा, ये सुन लो, अब हमें बहुत हाईफाई बहुत एडवांस में नहीं जाना है, लेकिन हमें जितना पढ़ना है वो ऐसे पढ़ना है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हमें पढ़ना है, इधर आ, जल्दी जाओ, जल्दी से आओ, इस बात को सुन लो बेटा, अगले 6 महीने बचे हुए हैं, 15 मार्च मैंने कोड किया है कोर्स खत्म कराने का, 15 मार्च, मैं कर दूंगा डेली पढ़ाऊ, मैं कर दूंगा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है भैया, आपकी बात ये समझ लो कि बहुत बार पढ़ना है, जितनी बार पढ़ोगे भैया उतने सही नंबर आएंगे। पेपर 13 सितंबर वाला तो अगले साल नहीं आएगा, ये तो लिख लो, पेपर आएगा 14 अक्टूबर वाला, वो ठीक था, हाँ इतना पेपर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई नहीं पूछेगा आपसे यार,
ठीक है ना। तो पेपर तो 14 अक्टूबर के जैसा होना चाहिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होगा, बहुत ज्यादा लो भी नहीं। तो बहुत बार पढ़ना है, ये रोज एसडब्ल्यू क्यों दे रहा हूं, इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप क्या करें, चीजों को बार बार रिवाइज करें। अब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल की चारों सीटें 2 बार लगवा दी है, मैंने लगवा दी है 2 बार, मुझे अच्छे से याद है। एक बार जब दी थी तब लगवा दी थी, और एक बार रिवीजन में लगवा दी। मोल कॉजल के सवाल तो आप 2-3 बार लगा चुके हो, लगा चुके हो है ना। तो कल क्या करना है, कल का एसडब्ल्यू कुछ नहीं है, आपने 75 से 100 मोल के सवाल लगा लिए हैं। आज आप जाइएगा 101 से 125 आप मोल के क्वेश्चन लगा लीजिएगा आज जाकर। क्यों मैंने ऐसा बोला, कल आपका टेस्ट लगा हुआ है 2:30 से 3:30 कल, ए बड़ा ये हिला मत देना, कल आपका टेस्ट लगा हुआ है 2:30 से 3:30, बढ़िया टेस्ट देना है। पीरियोडिक टेबल आप रिवाइज कर चुके हो 2-2 बार, मोल भी रिवाइज ऑलमोस्ट 125 क्वेश्चन तक हो ही गया। अच्छा भाई कल तो कोई क्लास है नहीं, कल आपके पास काम है, आपको कल अपने ऐप में केमिकल बॉन्डिंग की सीट नंबर 1 आपको मिल जाएगी, जिसमें क्वेश्चंस हैं 99 नॉर्मल वाले क्वेश्चंस हैं 99। कल आपको ये सीट पूरी लगानी है संडे। ओके जितना मैं आज पढ़ा दूंगा उसी के ऊपर ये सीट है। इस सीट में क्या क्या मिलेगा आपको, टाइप्स ऑफ बॉन्ड मिलेंगे, फजांस रूल मिलेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विद हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, और वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है तो ध्यान रखिएगा, ये 2500 सवाल तो आप आज ही जाके लगा लीजिएगा, ये 99 क्वेश्चन आपको कल लगाने हैं। हम लोग मिलेंगे कब, मंडे, ठीक है मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। तो काम जो दिया करें कहीं नोट एटलीस्ट कर लिया करो, और उस काम को पूरी शिद्दत से किया करो। हमारा प्रेडिक्शन था 600 के अंदर रहेगा कटाव, पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा प्रेडिक्शन से 20 नंबर 15 नंबर मामला ऊपर चला गया, अदरवाइज मेरे प्रेडिक्शन से 5-7 नंबर का हेरा फेरी रहती है। तो कट ऑफ के ज्यादा जाने का रीजन भी था क्योंकि पेपर काफी सरल था, बट अब हम लोगों को ध्यान रखना है बेटा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है चीजों को, सवाल बहुत हाई फाई नहीं लगाने हैं चच्चल लाइन वाले, हाँ जो लगाने हैं वो कई बार लगाने हैं, इस बात को सुन लो। तो आप दुनिया इधर से उधर हो जाए, विकास पुरवाल का एचडब्ल्यू आपको करना है, ये आप समझ लीजिए। ओके हो रही बात, ये नया काम किया है हमने इस साल, क्योंकि हम पहले एसडब्ल्यू देते थे लेकिन इतना फोकस करके नहीं देते थे, याद करो लिख देते थे, पन्ना चिपकाते थे उसमें लिखते थे, लेकिन ये बहुत फोकस करके शुरुआत से ही करना चालू कर दिया है। ठीक है ना, अच्छा बेटा लो चलो आप हटा दे रहे बेटा उसको, ठीक है। अच्छा मैंने आज बेटा कोई फिजिक्स क्लास तो होगी नहीं ना, आज मेरी क्लास है, जितना आप सोच के उतना हम पढ़ाएंगे। सुनो बेटा, अब जैसे मान लो हम लोग अगर बात करें POCl3 दे, बैठ जाओ कहीं भी आराम से, गोदी उदी मत बैठना बस, और कहीं इधर इधर आ जाए, इधर कैसे बैठोगे यार, बैठो बैठो कहीं बैठो, दाएं बैठो, कल से 2-1-2 दिन बाद से ना ऊपर क्लास लगेगी, आराम से बैठना, हिम्मत से काम लेना, हिम्मत से काम लेना, बैठो बैठो बैठो, परेशान ना बैठो, चलो अब देखो बस ठीक है। इधर देखो बेटा मेरी बात सुनो, आओ आ जाओ एक बार हम लोग POCl3 को वहीं पर कर लेते हैं। देखो जरा सुन ले बेटा, ट्रिक ट्रिक कुछ नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट की, अपन ने POCl, अब बेटा जरा बोलना नहीं, हम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे नहीं तो, प्लीज। ये रहा भाई POCl3, हमें सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना था। सेंट्रल एटम बेटा बोलो क्या है, फास्फोरस, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 3d0। आप देख सकते हैं 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में
तीन इलेक्ट्रॉन है और 3d क्या पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है. इज इट क्लियर? प्लीज सामने देखिए. आइए. अच्छा बेटा एक बात बताओ, जैसे कि पहला पॉइंट आप लोग जानते हैं कि उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग कर लेते हैं, उतने हाफ फिल ऑर्बिटल हम लोग कर लेते हैं जितने उसने बॉन्ड बनाए होते हैं. रूल ही पहला यही है, जितने बॉन्ड आपने बनाए हैं आपके पास उतने हाफ फिल ऑर्बिटल होने चाहिए. कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? 5. है कितने हाफ फिल? 3. हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्साइट कराना पड़ेगा. हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा दिया. आप देखिए पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई. 1, 2, 3 और इज इट क्लियर? अब दूसरा काम हम लोग का बेटा क्या होता है? मिक्सिंग. बेटा बोलो दूसरा काम क्या होता है? मिक्सिंग. लेकिन मिक्सिंग पर ध्यान दीजिएगा, एक इसने पाई बॉन्ड बनाया हुआ है तो राइट से एक ऑर्बिटल को हम लोग छोड़ देंगे, यहां से लेकर यहां तक घोटेंगे, मतलब मिक्सिंग करेंगे. जब मिक्सिंग करेंगे, आपने 4 ऑर्बिटलों को मिक्स किया है, आपको 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्राप्त होंगी. इनका नाम होगा sp3. ये जो डी ऑर्बिटल प्योर अवस्था में है, ये प्योर डी ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड बनाएंगे. गॉट इट? आइए आप देख सकते हैं. सब ध्यान दो सब लोग. मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे. 1, 2, 3, 4 ये 4 सिग्मा बॉन्ड. बॉन्ड हमेशा हाफ फिल और बाइटल ही बनाते हैं. 1, 2, 3, 4 क्लियर? और ये जो पाई बॉन्ड बना होगा ये प्योर और बाइटल की लेटरल ओवरलैपिंग से बना होगा. फास्फोरस के पास प्योर ऑर्बिटल कौन सा है? डी. और ऑक्सीजन के पास तो पी ही होगा, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा? ये पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड होगा. मैंने ऐसा क्यों बोला कि ऑक्सीजन के पास तो पी ही हो सकता है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, उसके पास तो डी ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता. इज इट क्लियर? मतलब ये जो पाई बॉन्ड बनाया है, फास्फोरस ने अपने प्योर डी का इस्तेमाल किया है और ऑक्सीजन ने अपने प्योर पी का इस्तेमाल किया है, तो ये कौन सा पाई बॉन्ड होगा? ये पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड होगा. इज इट क्लियर? ओके, ये कंसेप्चुअल तरीका था. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, घर पर अगर आपने पढ़ा होगा. अच्छा, अब हम लोग आ गए थे डिफरेंट टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन में. हम लोगों ने देखा था एक एस और एक पी को मिलाया तो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होंगे, जो रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए 180 पर ओरिएंट हो जाएंगे, शेप हो जाएगी लीनियर, बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री. उम्मीद है आपको क्लियर होगा. एक s और 2 p को मिलाया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2. कितने होंगे? 3. ये तीनों के तीनों 120 डिग्री पर ओरिएंट हो जाएंगे, ज्योमेट्री प्राप्त होगी ट्राइगोनल प्लेनर. कितने एंगल होंगे 120 डिग्री के? 3. हमने 1s और 3p को मिलाया, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3. कितने होंगे? 4. जितने लोग को मिलाते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं, 4 मिलेंगे आपको. अच्छा भाई, ये चारों के चारों जो है वो टेट्राहेड्रली ओरिएंट हो जाएंगे, बीच का एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट. कितने होंगे? 6. का सब दिखाया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6. समझ गए होगे अपना, सोचो. इसके बाद पिक्चर में आ गया था डी ऑर्बिटल. हमने आपको बताया जब डी ऑर्बिटल पिक्चर में आता है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को अलग कर देते हैं. जितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बचती है उनको एक ही प्लेन में मैक्सिमम एंगल पर ओरिएंट कर देते हैं. जिनको तुमने अलग किया था उनको परपेंडिकुलर ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे जो है वो लगा देते हैं. जैसे sp3d, जैसी बात है, 1s, 3p और 1d को आपने मिलाया, आपने 5 लोगों को मिलाया तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्राप्त होंगी sp3d.
अब पांच में क्या किया तुमने, दो को अलग कर दिया, कितनी बची? तीन। ये रहा तुम्हारा सेंटर एटम, तीन को तुमने एक ही प्लेन में मैक्सिमम एंगल पे अरेंज किया तो 120 पर अरेंज हो गई। दो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, एक परपेंडिकुलर ऊपर और एक परपेंडिकुलर नीचे, इज इट क्लियर? आपको याद होगा बॉन्ड तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ही बनता है, चाहे वो हाफ फिल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, चाहे वो हाफ फिल्ड प्योर ऑर्बिटल हो। अगर ये पांचों की पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगी तो ये दूसरे एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेंगी और यहां पर एटम्स आकर जुड़ जाएंगे। अगर हम इन सारे को आपस में मिला दें तो ये देखो एक ट्रायंगल बन गया है, एक पिरामिड ऊपर से, एक पिरामिड नीचे से। व्हाट इज दिस? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। व्हाट इज दिस? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कौन कौन से एंगल थे मेरे बच्चे जानते हैं? 180 डिग्री का एक एंगल है, 120 डिग्री के तीन एंगल हैं और 90 डिग्री के छह एंगल है। क्या दोबारा दिखाई जरूरत है? हाँ चलो 180 कहाँ है? ये एक्सियल वालों के बीच में 180 का था। 120 कहाँ है? ये इधर इक्वेटोरियल वालों के बीच में 120 का था। और 90 का था एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में 120 डिग्री 90 डिग्री का था। sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन था, यहां पर अनइक्वलिटी का प्रिंसिपल लगता था। ये पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल हम तोड़ देते थे तीन sp2 में जिनसे बनता था ट्रायंगल, और दो pd में जिनसे बनते थे एक्सियल वाले। तो एक्सियल वाले में चूंकि s करेक्टर है ही नहीं, एक्सियल वाले में सिर्फ p करेक्टर है या d करेक्टर है, तो एक्सियल वाले की लंबाई क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यहां से क्लियर हो गया एक्सियल वाले की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल वाले से ज्यादा होगी, मतलब दो बॉन्ड की लंबाई एक जैसी होगी और तीन बॉन्ड की लंबाई जो है वो एक जैसी होगी। गॉट इट? क्लियर? हम जब ये पढ़ा चुके थे कल, तो मैंने आपको यहां पर एक बहुत ही पॉपुलर रूल बताया था, बोले तो बेंट रूल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाइज द ऑर्बिटल हैविंग मोर परसेंटेज पी करेक्टर। द लॉजिक इज वेरी क्लियर। हर आदमी वहां पे रहना चाहता है जहां पे उसको सहूलियत हो अपना काम करने में। चोर वहां पे चोरी करना चाहता है जहां पे दरवाजे अरवाजे सब खुले हों, सिक्योरिटी कुछ ना, ताकि उसे चोरी करने में आसानी हो। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वहां पे रहना पसंद करता है जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन घसीटने में आसानी। इलेक्ट्रॉन कहां से आराम से घसीटेगा? जहां पे परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी उससे इलेक्ट्रॉन घसीटना आसान है। आप देख रहे हैं परसेंटेज पी करेक्टर कहां पर कम है, सॉरी कहां पर ज्यादा है? एक्सियल। तो जहां पर परसेंट पी करेक्टर होगा ज्यादा, वहां की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगी कम और वहीं पे रहना पसंद करेगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। कल मैंने आपको PCl3F2 और PCl2F3 का केस कराया था, एक नॉन पोलर था डाइपोल मूवमेंट जीरो, एक पोलर था डाइपोल मूवमेंट नॉट जीरो। क्लियर? अब मैं आपको इसी के आगे लेकर जाना चाहता हूं। यहां तक हो चुका था, बेंट एंड रूल लिखवा दिया था, उसी के आगे कंटिन्यू करिएगा। बेटा एक बात और, चलो बाद में बताएंगे, आप बाद में बताएंगे, याद दिला देना सर, आपको बाद में एक बात बतानी थी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बेटा। एक एस तीन पी दो डी हमने मिला दिया, आपने छह लोगों को मिलाया, हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको 6 प्राप्त होंगी और इसका नाम होगा sp3d2। बेटा बोलो क्या नाम होगा? sp3d2। अगेन क्या करेंगे? दो को आप हटा देंगे। आप देख सकते हैं
ये देखो जरा बेटा सब लोग, ये रहा सेंटर एटम, क्या रहा सेंटर, जिसके पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है बेटा बोलो, छह। बेटा बोलो कितनी है, छह। अब क्या करेंगे, इसमें से दो को अपन लोग हटा दे, दो को अपन लोग हटा दे, हटा दिए, कितनी बची बेटा, चार। अब इन चार को एक ही प्लेन में अरेंज करना है मैक्सिमम एंगल पर, बच्चा भी बता देगा 90-90 पर ओरिएंट होंगी। आइए करते हैं, आप देख सकते हैं एक ऊपर, एक नीचे, 90-90 पर ओरिएंट कर दिया, एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने चारों sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल को 90-90 डिग्री पे क्या कर दिया, ओरिएंट कर दिया। जो दो आपने अलग करी थी वो कहां पर बेटा जाएंगी बताओ, परपेंडिकुलर ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। ये रहा एक परपेंडिकुलर ऊपर बोलो बेटा, और ये रहा एक परपेंडिकुलर नीचे। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से आपके सामने हमने इन छह sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज कर दिया। आप जानते हैं अगर ये छह के छह sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे तो यहां पर आकर एटम भी लगेगा। आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये सबके सब हाफ फिल्ड है तो एक एटम बेटा बोलो यहां पे आके लग गया, बोलो बेटा एक एटम क्या होगा यहां पर आके लगेगा। अगर ये सब हाफ फिल्ड होंगे तो बताओ बेटा एक एटम क्या होगा यहां पर आके लगेगा, और एक एटम क्या होगा यहां पर आकर लगेगा। सपोज बेटा क्लियर हो रहा है, ये आपको चार लग गए, ये भी अगर हाफ फिल्ड होंगे तो यहां पर भी दो एटम आकर लग जाएंगे। आप देख सकते हैं एक एटम ये लग गया है और एक एटम आपका ये लग गया है। इस प्रकार से देखिए आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त हो रहा है, ध्यान से देखिए आप इसको, क्लियर बेटा? अगर आप ध्यान से इसको देखें तो इनको मिलाने पर एक स्क्वायर बनेगा, इसको मिलाने पर एक स्क्वायर बन गया, एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा। व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्वायर बाय पिरामिड। कोई प्रॉब्लम है किसी को? स्क्वायर बाय पिरामिडल को हम लोग ऑक्टाहेड्रल के नाम से भी जानते हैं। बात करें इसमें एंगल कौन कौन से हैं, आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे वाले के बीच में जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। एम आई राइट? अच्छा भाई, ये एंगल कितने का होगा, 90 का होगा, ये एंगल भी कितने का होगा, 90 का होगा, और इनके बीच में भी एंगल कितने का होगा, 90। मतलब एंगल तो बेटा इसके पास दो ही आ रहे हैं, एक आ रहा है 180 डिग्री का और एक आ रहा है 90 डिग्री का। आपको मैं ये बताना है 180 के कितने एंगल होंगे, 100 और 90 के कितने एंगल होंगे, 180 के बताओ, 180 के एक एंगल है, एक है, तीन एंगल है। अगर ये 180 है तो ये भी 180 होगा और ये भी 180 होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपके नीट में ये सवाल आ चुका है, स्क्वायर बाई पिरामिडल में 180 के कितने एंगल होते हैं। यूजली बच्चे वन लगा आते हैं लेकिन होते कितने हैं, तीन। 90 डिग्री कितने एंगल है, 90 डिग्री के कितने एंगल है सोच लो, 12 है। आप देखिए चार तो ये हो गए, चार आपके ये हो गए और चार आपके ये हो गए, तो कितने एंगल हो गए, 12। स्क्वायर बाई पिरामिडल एक ऐसा ज्योमेट्री होता है जहां पे 90 डिग्री के सबसे ज्यादा एंगल होते हैं, दैट इज 12।
और किसी भी रेगुलर ज्योमेट्री में 90 डिग्री के 12 एंगल पॉसिबल नहीं होते। इज इट क्लियर? आपको जान के खुशी होगी यहां पर हाइब्रिडाइजेशन का अनइक्वलिटी का प्रिंसिपल नहीं है, हम लोग इक्वेटोरियल और एक्सियल की बॉन्ड लेंथ को क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। जबकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में आपने देखा था एक्सियल वाले लंबे थे, इक्वेटोरियल वाले छोटे थे, यहां पर ऐसा नहीं है। जो लंबाई इक्वेटोरियल वालों की है वही लंबाई एक्सियल वालों की भी होती है। गॉट इट? क्लियर हो गया? अब हम लोग बात करेंगे एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स होंगे। पांच, सोच लो, काटो इसको, ऐसा काटो कि अधिक से अधिक एटम अटैच हो जाए। बोलो, एक प्लेन में अधिकतम कितने एटम होंगे? बोलो, पांच होंगे। काट के देख, आप कहीं से भी काट के देखिए। मान लीजिए आप इसको ऐसे काटते हैं, अगर आप इसको ऐसे काटते हैं तो ये ब्लू बॉल, ये तीनों येलो बॉल और ये ब्लू बॉल, मतलब ये पांच बॉल्स जो हैं, ये पांच एटम्स जो हैं, वो इस प्लेन को टच करेंगी। मतलब मैक्सिमम कितने एटम एक ही प्लेन में है? पांच एटम एक ही प्लेन में। बात को समझ में आ रहा? आप ऐसे काट कर अगर देखते हैं तो भी देखिए पांच एटम आएंगे, सारी की सारी येलो बॉल्स जो हैं वो इस प्लेन में आ जाए। मतलब स्क्वायर बाइपिरामिडल में मैक्सिमम पांच एटम एक ही प्लेन में पॉसिबल है। तो दो एटम छूट गए ना, तो प्लेनर हुआ या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर। सारे एटम एक ही प्लेन में आ जाते तो प्लेनर होता, दो एटम छूट गए, दो बॉन्ड छूट गए, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसको मैं हटा दूं, तोड़ दूं बेटा मैं इसको। चलिए, इस प्रकार से इसका खेल क्या होता है, खत्म होता है। आइए अब हम लोग इसको लिख कर देखें। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, सब लोग सामने देखेंगे। देखिए, ये रहा आपका सेंटर एटम, प्लीज नजरें सामने रखिए। ठीक है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। तो एक sp3d2 ये गया, एक sp3d2 ये गया, एक ये गया और एक ये गया। ठीक है, क्या बची? दो बची थी, एक ऊपर और एक नीचे। धन्यवाद सब लोग। अगर ये 6 के 6 हो, हाफ फिल्ड हुए, तो यहां पर 6 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और 6 एटम आकर अटैच हो जाएंगे। सब लोग सहमत है? अगर आप इनको आपस में मिला दें तो ये देखो आपको एक स्क्वायर प्राप्त हो गया। बेटा बोलो क्या प्राप्त हो गया? स्क्वायर। एक पिरामिड ऊपर होगा, एक पिरामिड नीचे होगा, तो इसकी रेगुलर ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर बाई पिरामिडल। इसी को मोहब्बत में हम लोग ऑक्टा हेड्रल के नाम से जानते हैं और सॉल्ट में ओएच लिखते हैं। बेटा बोलो क्या लिखते हैं? ओएच। बेटा तो देखना, बात करें बेटा एंगल कौन कौन से होंगे, तो एंगल बेटा 180 डिग्री के 3 होंगे और 90 डिग्री के 12 होंगे, विच इज मैक्सिमम। 90 डिग्री के मैक्सिमम एंगल स्क्वायर बाई पिरामिडल में ही पाए जाते हैं। क्लियर बेटा? यहां पर एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपस में क्या होगी? बराबर होगी। हम इक्वेटोरियल प्लेन वालों को कहते हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, और एक्सियल हम कहते हैं ऊपर और नीचे वालों को। लास्ट पॉइंट बेटा क्या है? मैक्सिमम कितने एटम एक ही प्लेन में होंगे, तो आप लिख सकते हैं, बोला मैक्सिमम 5 एटम्स आर इन प्लेन। इज इट क्लियर बेटा? ओके, कोई ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को भी डील किया, राइट? अच्छा भाई,
इसके बाद हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एक एस ले लिया, तीन पी ले लिए और तीन डी ले ली। आपने सात लोगों को मर्ज किया, आपको हाइब्रिड और बाइटल भी सात प्राप्त होंगी, जिनका नाम होगा SP3D3। बेटा बोलो क्या नाम होगा? SP3D3 नाम होगा। ठीक है, ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर? उम्मीद करते ऐसा तो क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, अच्छा देखो अब यहां पर आते हैं, फिर से वही बात है, दो हाइब्रिड और बैटल आप परपेंडिकुलर ऊपर नीचे लगाएंगे और पांच को आप एक ही प्लेन में लगाएंगे। जब पांच को आप एक ही प्लेन में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पेंटागन। तीन को एक ही प्लेन में लगाया, बना था ट्रायंगल। चार को एक ही प्लेन में लगाया, बना स्क्वायर। पांच को एक ही प्लेन में लगाओगे, बनेगा पेंटागन। एक पिरामिड ऊपर, एक पिरामिड नीचे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्या बनाकर दिखाएं? क्या क्या उससे बनाकर दिखाएं? क्या ओके है ना? देखो बेटा ये हटा दे बेटा, सब में लिख लिया, यहां पर लिख लिया। अच्छा हटा रहा हूं बेटा, मैं इसको बेटा हटा रहा हूं इसको। स्क्वायर बाई पिरामिडल हो गया। अब पेंटागोनल बाई पिरामिडल देखो जी बेटा, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये रहा सेंटर एटम, एक SP3D3, दूसरी SP3D3, तीसरी चौथी पांचवी। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ऊपर होगा, एक परपेंडिकुलर नीचे होगा। बड़े बोलो, अगर ये सातों के सातों हाफ फिल्ड हुए तो सातों के सातों बॉन्ड बनाएंगे, सातों जगह पर कोई ना कोई एटम आके लगेगा। एक दो तीन चार पांच छह सात। मैं उम्मीद करता हूं आप इसकी शेप समझ गए होंगे। इसकी शेप हो गई है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसकी शेप बेटा हो गई है। बात करेंगे हम लोग इसके एंगल की, आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे वाले के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा जो कि एक होगा। क्या मेरे बच्चे बता पाएंगे नंद बेटा 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? ऊपर वाला इनके साथ बनाएगा पांच और नीचे वाला बनाएगा पांच, तो 90 डिग्री के कितने एंगल होंगे? 10। एक एंगल इसके पास और भी है, ये वाला एंगल जिसकी वैल्यू होती है 72 डिग्री की, कितने होंगे? पांच। स्क्वायर में जब ये 90 का है तो अगर बीच में एक डंडा और लगा दोगे तो सारे एंगल 90 से कम हो जाएंगे, दिस इज 72 डिग्री। ठीक है बेटा, 72 डिग्री। ओके, तो यहां पर देखिए 180 डिग्री का एक है, 90 डिग्री के 10 है और 72 डिग्री के एंगल कितने हैं? पांच। आप देख सकते हैं 90 डिग्री के सबसे ज्यादा एंगल होते हैं ऑक्टाहेड्रल के पास, दैट इज 12। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर बात बड़ा वही है, इनको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल और इनको हम लोग कहते हैं एक्सियल। यहां पर भी एक बड़ा स्पेशल पॉइंट बेटा आने वाला है। देखिए इस ये जो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जहां ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एक्सियल वाले में परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा था तो एक्सियल वाले की लंबाई ज्यादा थी, पेंटागोनल बाई पिरामिडल इज रिवर्स ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहां पर इक्वेटोरियल वाले की लंबाई एक्सियल वाले से ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। हम यहां पे ज्यादा समझाने पर फोकस नहीं करते हैं, मैं ऐसे ही बोलता हूं हमेशा कि यहां पर मामला ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का जस्ट रिवर्स होता है। इज इट क्लियर? वहां पे एक्सियल वाले की लंबाई ज्यादा होती है, यहां पर इक्वेटोरियल वाले की लंबाई ज्यादा होती है। आप इसको याद रखिए, समझने का प्रयास मत करिए, यहां पर भी बेंट रूल बेटा आता है।
देखिए यहां पर बेंट रूल का एक दूसरा रूप होता है और उस दूसरे रूप को मैं बताना नहीं चाहता, अदरवाइज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप है जो मैंने कल आपको पढ़ाया था आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो बेंट रूल को मैं जो आपको उलझाना नहीं है, इसलिए मैं सिंपल ऐसे बोलता हूं, जस्ट रिवर्स ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये प्लेनर होगा? नहीं, आप ऐसे काटोगे तो ऊपर और नीचे वाला छूट जाएगा, मतलब ये नॉन प्लेनर होगा। मैक्सिमम कितने एटम एक ही प्लेन में होंगे? जब आप ऐसे काटोगे तो पांच ये और एक सेंटर वाला, मैक्सिमम कितने एटम? छह। लिख लो बेटा, लिख लो, मैक्सिमम सिक्स एटम्स आर इन सेम प्लेन। मैक्सिमम सिक्स एटम्स आर इन सेम प्लेन, और ये होगा कैसा स्ट्रक्चर बेटा? नॉन प्लेन, वो ध्यान रखिए। ओके बेटा, तो इस प्रकार से सारे हाइब्रिडाइजेशन, उनकी रेगुलर ज्योमेट्री, उनके बॉन्ड एंगल और कितने एटम एक ही प्लेन में होंगे, ये सारी बातें क्या करिए, मैंने खत्म करी। मैंने आपसे कहा था मैं एक बात आपको बताऊंगा, यह समय आ चुका है उस बात को बताने का। हटा दें इसको। चले ओके, तो आज मेरे बच्चे फटाफट मैं बोलूंगा हाइब्रिडाइजेशन, आप बोलोगे रेगुलर ज्योमेट्री। में फिर से बता दूं, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है जब सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो, सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाया हो, कोई भी लोन पेयर उपस्थित ना हो। ठीक है, बताइए एसपी, आवाज नहीं आ रही, एसपी टू ट्राई एंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर, एसपी थ्री है, आवाज नहीं आ रही, एसपी थ्री डी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एसपी थ्री डी टू स्क्वायर बाई पिरामिडल, दूसरा नाम बोलो ऑक्टाहेड्रल, एसपी थ्री डी थ्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल, फिर से बोलेंगे। अच्छा, ये जो एसपी थ्री डी था ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसमें एक्सियल वाले लंबे होते हैं इक्वेटोरियल वाले? क्योंकि एक्सियल वाला होता है पीडी, वहां पर पी कैरेक्टर बहुत ज्यादा, बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा, जबकि पेंटागोनल बाई पिरामिडल में इक्वेटोरियल वाले लंबे होते। इज इट क्लियर? अच्छा, अब वही बात है ना, तभी हम पहले बच्चों को पढ़ाते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा ना, बार बार मुझे ऑर्बिटल की शेप बतानी पड़ रही है। देखिए, क्या कोई बात है, देख लीजिए, आपको याद है कि डी सबसेल में पांच डी ऑर्बिटल होते हैं, सबको मालूम है ना, एक दो तीन चार और पांच, सबको मालूम है। ये तो आप लोग को मैंने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा दिया ना सब। ठीक है, देखिए, जिस प्रकार से पी सबसेल के जो तीन पी ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम पी एक्स, पी वाई और पी जेड कहते हैं, उसी प्रकार से डी सबसेल में जो पांच डी ऑर्बिटल होते हैं इन्हें बेटा हम लोग बोलते हैं, ध्यान दो बेटा, डी एक्स वाई, कभी कभी इंक फैल जाती है, वैसे वैसे कभी कभी ये फैल जाता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। जो पांच डी ऑर्बिटल होते हैं वो ये होते हैं, बोलो जरा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांच ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, आपको मालूम होगा कि डी जो होता है वो डबल डंबल शेप होता है। कैसा होता है? डबल। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड होते हैं, इनके जो डबल डंबल होते हैं वो एक्सिस के बीच में
छुपे हुए होते हैं। बेटा बोलो क्या होते हैं? एक्सिस के बीच में छुपे हुए। सामने देखिए सब लोग, सामने देखिए, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई, तो एक्स और वाई के बीच में अगर दोनों डंबलों को छुपा दें तो इसका नाम होगा डी एक्स वाई। बोलो क्या नाम होगा? हमने दोनों डंबलों को एक्स और वाई एक्सिस के बीच में छुपा दिया, राइट। ये वाई मान लो, ये जेड मान लो। अगर हम दोनों डंबलों को वाई और जेड एक्सिस के बीच में छुपा दें तो इसे कहते हैं डी वाई जेड, राइट। और अगर हम दोनों डंबलों को एक्स और जेड एक्सिस के बीच में छुपा दें तो इसे हम लोग कहते हैं डी एक्स जेड। ओके बेटा, बाबड़े क्लियर होगी सबको। डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप होता है। अगर ये डंबल एक्सिस के बीच में छुपे होते हैं तो शुरू के तीन बन जाते हैं। जिस जिस एक्सिस के बीच में छुपाओगे वो उसका नाम बन जाएगा। अब बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस, जगह नहीं मैं ऊपर बना दे रहा हूं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या होता है? इसके जो दोनों डंबल होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंट होते हैं। ये देखिए, दिस इज ए डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसके चारों के चारों जो लोब्स हैं वो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज डी जेड स्क्वायर। ये जेड एक्सिस, ध्यान सुनिएगा बेटा, डी जेड स्क्वायर इकलौता ऐसा डी ऑर्बिटल है जिसमें चार लोब नहीं, सिर्फ दो ही लोब होते हैं। बेटा बोलो क्या होते हैं? दो लोब, और एक इसमें बना होता है सर्किल, समथिंग लाइक दिस। तो अगर इसको हम लोग कहते हैं डी जेड स्क्वायर और इसकी शेप को हम लोग कहते हैं डेफिनेट शेप। जस्ट लिसन टू मी प्लीज, बाद में लिखिएगा, सब। तुमने कभी भगवान शंकर का डमरू देखा है? डमरू कैसा होता है? डमरू कुछ ऐसा होता है, मैं यहां दिखा रहा हूं डमरू, ये होता है और यहां पे दो डोरी लगी होती है। जब ऐसे बजाते हैं तो ये ऐसा लगता है जैसे ये डोरी ने एक चक्कर सा बना लिया है। तो कुछ ऐसे ही बेटा होता है, दो लोब तो जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं और एक ऐसा चक्कर सा बन जाता है, इसे हम लोग कहते हैं डेफिनेट शेप। बड़ा बोलो क्या कहते हैं? डेफिनेट। ध्यान रखिएगा, शुरू के चार जो होते हैं इनके पास चार चार लोब होते हैं लेकिन लास्ट वाले के पास सिर्फ दो लोब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शुरू के तीन एक्सिस के बीच में छुपे हुए होते हैं और लास्ट के जो दो होते हैं वो एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट वाले का डमरू का आकार होता है, डेफिनेट शेप कहते हैं, जबकि शुरू के जो चार होते हैं इन्हें क्लोवर लीफ कहते हैं। बेटा बोलो क्या कहते हैं इनको? क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। ये तुम लोग पढ़ते हो बायो में, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर शुरू के चार को कहते हैं, क्योंकि इनके पास चार चार लोब होते हैं, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर? बैठने में प्रॉब्लम हो रही? अब बस एक दो दिन रुक जाइए, देखो पसर के बैठिए, देखो बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लो। ये एक्चुअली में मैं पढ़ाता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन आपको यहां पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एटॉमिक आपने अभी नहीं पढ़ा है। ओके, देखिए बना लिया।
बना लीजिए फटाफट। ओके ठीक है, आइए देखें आप लोगों ने डी और बैटल के बारे में क्या पढ़ा, जल्दी से बताएंगे। लिख लिया, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। अब ये सारी चीजें बेटा पढ़ाई जाती है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो केमिकल बॉन्डिंग में बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। अब आपका एटॉमिक चूंकि नहीं हुआ अभी, इसलिए आपको ये देखना पड़ रहा है। इस इन सब के बारे में और भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन यहां नहीं करेंगे वो सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग के, ठीक है ना। नोडल प्लेन कहां पर होते हैं, किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो सकती है, किसमें नहीं हो सकती है, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं जो यहां पर हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। क्लोवर लीव कौन कौन है, चारों हैं, एक दो तीन चार, जिनके पास चार लोब होंगे वो क्लोवर लीफ होगा। जो एक ही लास्ट वाला होता है डी जेड स्क्वायर, जो लास्ट वाला है डी जेड स्क्वायर, इसको कहते हैं डेफिनेट शेप। ओके चलो बताओ, पूछे कुछ बताइए। डी कौन सा डी ऑर्बिटल है जिसमें चार लोब नहीं होते हैं, डी जेड स्क्वायर कैसा होता है ये डेफिनेट शेप। वो कौन कौन से डी ऑर्बिटल हैं जो क्लोवर लीफ लाइक होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई, जिनके पास चार लोब होते हैं वो क्लोवर लीफ लाइक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वो कौन सी डी ऑर्बिटल हैं जिनके लोब एक्सिस के बीच में छुपे हुए होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स। वो कौन सी डी ऑर्बिटल है जिनके लोब एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं बेटा, अब देखिए हटा दे। अब आप लोग ने जहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, आप वहां पे सुन लीजिए। sp3d में जो ये डी होता है ये होता है डी जेड स्क्वायर, ओके। sp3d2 में जो डी होता है वो होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। मैं बात क्लियर है बेटा। और sp3d3 में जो डी होते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई। ओके बेटा, तो ध्यान रखिएगा आपको जहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़े हैं वहां पर आप इसको लिख लीजिए। ओके मैं कैसे याद कराता हूं, पहले वो सुन लीजिए। जब एक डी होगा तो वो वाला डी इस्तेमाल होगा जिसमें सिर्फ एक एक्सिस हो। आप देखिए सारे डी में दो दो एक्सिस होती हैं, डी एक्स वाई दो आ गई, डी वाई जेड दो आ गई, डी एक्स जेड दो आ गई, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दो आ गई, लेकिन यहां पर सिर्फ कौन सी होती है जेड। जब एक डी होगा तो कौन सा डी होगा, डी जेड स्क्वायर। जब दो डी होंगे स्क्वायर तो वो वाले डी होंगे जिसमें स्क्वायर आ रहा है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और उसमें अगर जोड़ दें डी एक्स वाई तो नीचे वाला बनेगा। बात क्लियर है, मतलब sp3d2 के पास जो जो डी होते हैं वो दोनों डी sp3d3 के पास भी होते हैं विद डी एक्स वाई। ओके होगी बात। कभी कभी कुछ टीचर्स पहले लिखवाते थे कि इसके पास होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से डी होते हैं
डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और डी एक्स वाई। ओके ठीक है, हटा दे रहे हैं इसको। अच्छा वहीं भी जाके लिख लिया आप लोगों ने। चल अब देखो बेटा, हमारा पॉइंट चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंसिंग ऑर्बिटल ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल, बोले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आपने अभी हाइब्रिडाइजेशन को कंसेप्चुअली निकालना सीखा। सबसे पहले उतने अनपेयर कर लेते थे जितने उसने बॉन्ड बनाए होते थे, फिर आप उनको मिक्स कर देते थे और उसके बाद ओवरलैपिंग कराकर केमिकल बॉन्ड को बनाते थे। अब ऐसे करोगे एग्जाम में तो बड़ा समय चला जाएगा। तो अब आओ हम लोग देखते हैं टेक्निकल तरीका। तो देखिए, मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। बहुत सारे तरीके हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के मिल जाएंगे। मैं सिर्फ एक तरीका बताता हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। बस देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर आप क्या करेंगे, जिस एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं वो वाले बॉन्ड पेयर, और उस पर कितना लोन पेयर है उसे काउंट करेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमने पाई बॉन्ड पेयर को काउंट नहीं किया, क्योंकि आप जानते हैं पाई बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्री को डिसाइड नहीं करता। जिस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसके सिग्मा वाले बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे और उसके ऊपर जितने लोन पेयर है उसे काउंट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर दो आया हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, इलेक्ट्रॉन पेयर तीन आया sp2, इलेक्ट्रॉन पेयर चार आया sp3, इलेक्ट्रॉन पेयर पांच आया sp3d एंड सो खत्म। ये तरीका मुझे सबसे अच्छा तरीका लगता है। किताबों में 8 से डिवाइड करो और 2 से डिवाइड करो वो वाला भी कॉन्सेप्ट होगा, वो सब बेटा मूर्खपना होता है। बस ये तरीका वही बच्चे को अच्छा लगता है जिसको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है। और बेटा सुन लो, जो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ना बना पाए तो उसको पढ़ने का कोई हक भी नहीं। मैंने आपको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही कंसेप्चुअल तरीके से दानवीर कर्ण की कहानी बनाकर आपको सिखाए थे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आते हैं, और अगर आते हैं तो किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन आप चुटकी में बता सकते हैं। इज इट क्लियर? एक दो मैं कर दे रहा हूं, फिर आप करिएगा, ठीक है? XeF4 हाइब्रिडाइजेशन अक्सर किसका निकालते हैं हम लोग, सेंटर एटम का निकालते हैं। देखिए, पिक अप द सेंटर एटम, प्लेस सराउंडिंग में इसके लगा दो। क्या ये दानवीर कर्ण है? हम दानवीर कर्ण किसको कहते थे, जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होता था, जो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता था, जो थर्ड या हायर पीरियड का होता है। यस, ये दानवीर कर्ण है, जिसको जितने चाहिए उसको उतने दे दो। जो ये चीज ना समझ पा रहा हो वो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 3 जाकर देखे। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 का साझा कर लिया, बचे 2। 2 का मतलब एक लोन पेयर। आपको जिनन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना था, हमने जिनन के इलेक्ट्रॉन पेयर निकाले, कितने सिग्मा बॉन्ड पेयर है 5, कितने लोन पेयर हैं 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ गए 6। हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, इज इट क्लियर? sp3d2, 6 लोगों को मिलाना पड़ेगा। 1 s को मिलाया, 3 p को मिलाया, 2 d को मिलाया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया
sp3d2। गॉट इट? बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़ दीजिए। गॉट इट? एक और कर दे रहा हूं, I3-, इसका स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बनवाया था। माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर मानते हैं, तीनों के तीनों आयोडीन है, आप किसी पर भी मान सकते हैं, बताओ किस पे माने? सेंटर में माने? अगर सेंटर में मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सराउंडिंग में मानेंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंटर से जोड़ना पड़ेगा। खैर, दानवीर कर्ण, जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे दो। यह देखो बेटा, सात होते हैं, माइनस के कारण हो गए आठ, दो चले गए, कितने बचे? छह। छह का मतलब हो गया तीन लोन पेयर। क्लियर? तो बीच वाले आई के अगर इलेक्ट्रॉन पेयर निकालें तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? दो। तो कितने बॉन्ड पेयर होंगे? दो। लोन पेयर कितने हैं? तीन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए पांच। एक एस को पकड़ लिया, तीन पी को पकड़ लिया, एक डी को पकड़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। ओके, चलिए, तो बहुत बढ़िया तरीका लगता है मुझको इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। ये तरीका उन्हीं बच्चों को अच्छा लगेगा जिनको ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आता है। अगर आपको नहीं आता है तो लेक्चर नंबर 3 आप जाकर देखिएगा, ठीक है, इसी चैप्टर का। ठीक है, अब आप लोग करोगे, चले चार पांच आप लोग कर लो, भी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हटा दे बेटा इसको, चलो इसी बहाने ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर का रिवीजन होगा। करिए, I3+ NO3-, ये सारे स्ट्रक्चर मैं पीछे बनवा चुका हूं। जल्दी चित्र बनाइए, दानवीर कर्ण की थ्योरी लगाइए, चित्र बनाइए। लपड़ पड़ जाएगा बेटा, पीछे जाके चित्र बना के देख रही हो? मैंने कहा था घर पे जाके दो तीन बार प्रैक्टिस करना। ये बहुत गलत बात है भाई, दिल बेटा ना तोड़ देखो मेरा है? देखिए, वही लोग नहीं कर पाएंगे जिन्होंने काम चोरी चालू कर दी है। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, ये अगले 6 महीने पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई में झोंक दो। मैंने जिस दिन ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर सिखाया था, मैंने कहा था कि घर पर जाकर इसको एक दो बार बनाना। कहा था कि नहीं कहा था? यार एक बात बताओ, अगर तुम्हें ल्यूस स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता, हम तुम्हें इसकी कोई दूसरी ट्रिक बता दें हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, तो क्या होगा? क्या इस चैप्टर में तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा? तो आपका ये भ्रम है, नहीं आएगा। अबे ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर निकालने की ट्रिक बता दें, सिग्मा बॉन्ड निकाल, अबे उल्लू केमिस्ट्री पढ़ रहे हो कि साला हिंदी और सोशल साइंस पढ़ रहे हो कि लोन पेयर को ऐसे निकाल लेंगे, सिग्मा बॉन्ड को? मैं उसको बिल्कुल सही नहीं मानता।
लुईस डॉट स्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अगर केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह पढ़ना चाहते हो तो, हिंदी और सोशल साइंस बनाना चाहते हो तो बना लो बेटा, नंबर 550 आएंगे, लिख लो। तो मुझे मालूम है पेपर में बच्चे को क्या चीज याद आती है। पेपर में बच्चे को सिर्फ अच्छे तरीके से समझी हुई चीज ही याद आती है, उसको ट्रिक प्रिक याद नहीं आती। इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर को कितने अच्छे समझाया था दानवीर कर्ण। 10 में से 9 चित्र तो दानवीर कर्ण से बनते हैं, एक चित्र ऐसा आपको मिलेगा जहां पर ऑक्टेट थ्योरी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए बेटा आपकी इच्छा, आप कैसी मेहनत कर रहे हैं। अभी मैंने बोला था जो बच्चे मेरा SW कर रहे हैं थंब भेजेंगे। देखो आतिफ अमीन ने भेजा है, बीरेंद्र ने भेजा है, ऋतिक ने भेजा है, साक्षी ने भेजा है, 4-5 बच्चों ने भेजा है भाई। बाकी जो यहां बैठे हैं वो भी क्या बता रहे हैं कि काम पूरा कर रहे हैं, करते रहिए पूरा काम, ऑल द वेरी बेस्ट। एक आयोडीन ये है, एक आयोडीन ये है, एक आयोडीन ये, बिल्कुल I3- के तरीके है। अब प्लस चार्ज तुम किसी के भी ऊपर लगा दो, सारे के सारे आयोडीन है, कोई फर्क नहीं पड़े। कहां लगा दे, सेंटर पे लगा दे। चलो दानवीर कर्ण है, जिसको जितना चाहिए उसको उतना दे। अब देखना वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब एक चला गया, कितने बचे 6। 6 में से 2 का साझा कर ले, कितने बचे 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, 4 हाइब्रिडाइजेशन बोलो sp3। कोई प्रॉब्लम है नहीं। NO3- NO3- यहां पे दानवीर कर्ण की थ्योरी काम नहीं करेगी। यहां पर नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का है, ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए ये 6वें ग्रुप के हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, 2 बॉन्ड बनाएंगे। ये 5वें ग्रुप का है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 की कमी है, 3 बॉन्ड बनाएंगे। 6 और 1 7, 1 की कमी 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड ये बना लिया, 2 बॉन्ड ये बना लिया। आप समझ गए होंगे इसके पास एक लोन पेयर बचा होगा जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको डोनेट करेगा। ना समझे हो लेक्चर नंबर 3 जाकर देखिए, ठीक है। हमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना था, सिग्मा वाले बॉन्ड पेयर, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और ये भी क्या है 3 सिग्मा। लोन पेयर खत्म हो गया, पहले ये लोन पेयर था भी लेकिन अब ये लोन पेयर बन गया है बॉन्ड पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया 3sp2। इज इट क्लियर। आप देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई, पाई को काउंट करते नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर बेचारे के पास था लेकिन उसको बदल दिया सिग्मा में, तो लोन पेयर हो गया 0, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। ठीक है बेटा, शशिकांत सही हुए कि नहीं हुए। अच्छा यार तुम लोगों ने तार को छोटा कर दिया। AlH4- Al 1H 2H 3H 4, आपको मालूम है माइनस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ही मानेंगे, एल्यूमिनियम मेटल है कभी भी माइनस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे तुमने एच पर माइनस माना इसका डुप्लेट पूरा हो गया, अगर सराउंडिंग पर माइनस मानते समय उसका डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा हो जाए तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंटर एटम से जोड़ते हैं। दानवीर कर्ण थर्ड पीरियड का है, कितने अच्छे से समझाया था कि थर्ड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो सेकेंड पीरियड के हो चाहे थर्ड पीरियड के हो, वो 3 बॉन्ड ही बना सकते हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। व्हाट इट, तो 3 इलेक्ट्रॉन थे, तीनों का साझा कर लिया, कोई लोन पेयर नहीं बचा। तो एल्यूमिनियम के पास 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ओके XeO3 देखिए, पिक अप द सेंटर एटम, प्लेस अदर एटम इक्वली अराउंड इट। दानवीर
कारण है आठ में छह चले गए दो बचे, दो का मतलब एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, तीन सिग्मा बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन होगा 4sp3। गॉट इट बेटा? ओके आई। अब और मैं एग्जांपल नहीं कराऊंगा आपको, पीछे पन्ना पढ़कर देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको ढेर सारे बनवाए थे, आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन इस तरीके से निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? कॉपी दिखाइए, आप देखिए, ये देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहां चालू हुआ था, कितने सारे स्ट्रक्चर देखिए आप लोगों ने कॉपी पर बनाए हैं, ये देखिए, ये देखिए यहां तक इतने लुईस स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं, आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन यहां से निकाल सकते हो। गॉट इट? मेरी बात सुनिएगा, देखिए बड़ा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड मैंने बताया है हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का, ये आप सब पर लगाइएगा, लेकिन नहीं लगाएंगे इस प्रकार के कंपाउंडों पर। मैं उम्मीद करता हूं जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं वो जानते हैं ऐसे कंपाउंडों को कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, किसी भी कंपाउंड में अगर बड़ा ब्रैकेट दिखाई पड़ जाए तो उन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग तरीके से निकाला जाता है, यहां पर वो इलेक्ट्रॉन पेयर वाली टेक्निक काम नहीं करेगी। इज इट क्लियर? इसके क्वेश्चन आपको अभी मिलेंगे भी नहीं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यहां पर सीखोगे इनका हाइब्रिडाइजेशन। इज इट क्लियर बेटा? चले आए, तो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड समझ में आ गया? सुनना बेटा, मैं ये मेथड लास्ट क्लास में भी बता सकता था, लेकिन मैंने लास्ट क्लास पूरी आपको दे दी कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसे पिक्चर में आया, कैसे इंटरमिक्सिंग होती है, कैसे हाइब्रिड और बैटल बनते हैं, इसको समझाने में मैंने पिछली क्लास आपको दे दी, वरना हाइब्रिडाइजेशन निकालना ये रहा इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। ओके, अच्छा नंबर, यहां पर मैं अपने बच्चों को एक ट्रिक और देता हूं, देखिए ये ट्रिक काम करेगी सिर्फ फॉर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब कार्बन के बने कंपाउंड। एक ट्रिक हम आपको यहां देने जा रहे हैं, हा sp3-pyrrole, लोग चोरी कर लेते हैं और कहते हैं कि उनकी ट्रिक है, ताला कभी कभी लोगों को उम्र का फायदा मिल जाता है। अब उम्र ज्यादा है लोग विश्वास कर लेते हैं, हमारी थोड़ी सी कम है, हाँ यार पूर्वास ने उनकी ट्रिक ली होगी। sp3-pyrrole, ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा, देखिए ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर लगाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बेटा मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ बोला बोला करो कार्बन। आप लोग क्या करेंगे, उस कार्बन ने जितने पाई बॉन्ड बनाए उस पाई बॉन्डों की संख्या को तीन से माइनस कर दीजिए तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। जैसे उस कार्बन ने एक भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया, सारे सिग्मा बनाए हैं, तो यहां रख दिया जीरो, हाइब्रिडाइजेशन sp3। एक पाई बॉन्ड बनाया, यहां पे रख दिया वन, तीन में से एक गया दो, sp2। दो पाई बॉन्ड बनाए, यहां पे रख दिया दो, तीन में से दो गया एक, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, sp हो गया। इज इट क्लियर? जैसे देखिए,
नजरें सामने होनी चाहिए, पेन कॉपी बंद। ये मैंने आपको दिया, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड तो सुपर्ब मेथड है ही, उससे तो आप किसी का निकाल ही सकते हो। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड से पहले देखते हैं, इस कार्बन ने दो सिग्मा बनाए हैं, एक एच के साथ और एक ये। लोन पेयर कार्बन पे होगा नहीं, कोई चारों इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेते हैं, लोन पेयर कभी होते ही नहीं है। तो दो बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन एसपी। दो बॉन्ड पेयर, जीरो लोन पेयर एसपी, एक एच के साथ सिग्मा, एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा, तीन सिग्मा बनाए हैं, लोन पेयर होगा नहीं, एसपी टू। एक दो तीन सिग्मा बनाए हैं, एसपी टू। तीन एच के साथ सिग्मा बनाए होंगे, एक ये सिग्मा बनाया, चार सिग्मा बनाए, एसपी थ्री। आप देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है। इवन बेटा कभी कभी क्या होता है, हमारे एग्जाम में चित्र ऐसे बन के आ जाते हैं, जब बात समझेगा मेरी। चित्र ऐसे बन के जाते हैं जहां पर हाइड्रोजन दिखाई नहीं पड़ता है। जब हाइड्रोजन दिखाई नहीं पड़ेगा तो आपका समय और ज्यादा किल होगा। इसलिए मैं अपने बच्चों से कहता हूं, अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको दिए जाएं तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, sp3-pyro। यहां पर सिग्मा बॉन्डों को गिनने का झंझट ही नहीं है, सिंपल पाई बॉन्डों को तीन से माइनस करते चले जाओ। जैसे आइए आप करते हैं ट्रिक से, देखना कितने पाई बनाए हैं, दो, तीन में से दो गया एक sp। कितने पाई बनाए हैं, दो, तीन में से एक गया, तीन में से दो गया sp। कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, एक sp2। कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, एक sp2। कितने पाई बॉन्ड बनाए हैं, एक भी नहीं sp। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं लगा, आराम से हो। ठीक है, यहां पर आओ, मैंने आपसे पूछा स्टार मार्क कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। आओ, इसने कितने पाई बनाए हैं, एक sp2। इसने एक भी पाई आपको नहीं दिखाई पड़ा बेटा, बोला करो sp3। इसने दो पाई बनाए हैं sp। कोई और बेटा किसी को, तो sp3 माइनस पाई रूल आप ये सिर्फ लगाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। गॉट इट, लिख लीजिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड भी काम करेगा लेकिन वहां पर आपको समय बर्बाद करना पड़ेगा। sp3 माइनस पाई रूल लगाइए, दना दन पाई बॉन्डों को देखिए और अपना आंसर निकाल लीजिए। गॉट इट, मैंने आपको यह दे दिया, क्या आप इसको जानते हैं? क्या आप इसको जानते हैं? What is this? Benzene. Benzene में हमने लगा दिया CH3. What is this? Toluene. मैंने आपसे पूछा, बताइए टोलुइन में कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट हैं? बोलो बोलो sp2 और sp3। रिंग में जितने कार्बन है वो सबके सब कैसे होंगे, sp2 होंगे। प्रत्येक कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है और ये जो CH3 ग्रुप लगा हुआ है इसने कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनाया, तो ये कैसा होगा, sp3। गॉट इट, मतलब बेंजीन में दो प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन उपस्थित है, सॉरी टोलुइन में
एक sp2 और दूसरा sp3। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन इसके ऊपर और देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा। पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। आइए एक सवाल बताया, लिखिए। इन गिवन मॉलिक्यूल विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई sp2sp ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एक मॉलिक्यूल हम आपको दे रहे हैं, हमने ये मॉलिक्यूल आपको दिया, नंबरिंग डाल दे रहा हूं मैं, 1 2 3 4। आपको यहां पे सिग्मा बॉन्ड दिखाई पड़ रहे होंगे, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड। सवाल में नहीं पूछा है वो कौन सा सिग्मा बॉन्ड है जो sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा। ऑप्शन है C1 C2 सिग्मा बॉन्ड, C2 C3 सिग्मा बॉन्ड, C3 C4 सिग्मा बॉन्ड और C2 एंड H सिग्मा बॉन्ड। बोलो बोलो, पक्की बात है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप देख सकते हैं सभी लोग। देखिए ये कार्बन कौन सा होगा बेटा बताओ? sp2 sp2 sp s। अब बहुत ही सिंपल सी बात, ये जो सिग्मा बॉन्ड होगा ये बना होगा हाफ फिल sp2 हाफ फिल sp2 की ओवरलैपिंग से। बोला करो, पाई बॉन्ड में तो हाइब्रिड और बैटल का कोई रोल होता ही नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड बना होगा हाफ फिल sp2 हाफ फिल sp की ओवरलैपिंग से, और ये सिग्मा बॉन्ड बना होगा हाफ फिल sp हाफ फिल sp की ओवरलैपिंग से। हमें कौन सा सिग्मा बॉन्ड ढूंढना था? sp2 और sp, तो कौन सा होगा? ये वाला c2 और c3 के बीच। ओके, मेरे बच्चे बताएंगे, हाइड्रोजन में टर्मिनल एटम है, टर्मिनल एटम प्योर ऑर्बिटलों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखना, अगर मैं पूछूं ये वाला सी और एच के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो कैसे बना होगा, तो इस कार्बन का sp2 हाइड्रोजन का हाफ फिल s ऑर्बिटल, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड कैसे बना होगा, इसका हाफ फिल sp2 और इसका हाफ फिल s ऑर्बिटल, ये CH बॉन्ड कैसे बना होगा, इसका हाफ फिल sp और इसका हाफ फिल s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना होगा। एम राइट बेटा, सबको बड़ा क्लियर हो रहा है? तो sp3 माइनस पाई रूल आप लगाएंगे और किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हैं, आपका समय बचेगा इसमें। समझ में आ रहा है बेटा? चल आइए, जब ये पॉइंट बेटा हो जाता है तो एक नेक्स्ट पॉइंट हम आपको लिखवाना चाहेंगे, एक नोट लिखिए, एक नोट बेटा लिखेंगे, लिखिए। Few molecule are covalent in gaseous phase
बट आयनिक इन सॉलिड फेज, फ्यू कंपाउंड आर कोवेलेंट इन गैसियस फेज बट आयनिक इन सॉलिड फेज। एग्जाम्पल से समझो तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे देखो N2O5 गैसियस, जब ये गैसियस फेज में था तो ये बेटा कोवेलेंट था। चित्र बनाना आपको आता है ना, ये डाइसेंट्रिक कंपाउंड हो गया ना। एक को बच्चा बेटा बोलो कहां पर आएगा, बीच सब बना के दिखा चुका हूं मैं। अब ना मालूम हो तो आप जाकर लेक्चर 3 इसी का देखिए, ठीक है। ये होगा लोन पेयर, क्या कर दिए डोनेट। ये देखिए N2O5 जब गैसियस फेज में था तो ये इस प्रकार से कोवेलेंट था। यहां पर अगर मैं नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो कितने सिग्मा बनाए हैं, 3। लोन पेयर डोनेट कर चुका है तो लोन पेयर हो गया 0, तो ये भी हो गया sp2 और ये भी हो गया sp2। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं बेटा? अच्छा, लेकिन बेटा जब ये N2O5 जाता है सॉलिड फेज में, बेटा बोलो क्या जाता है। यहां पे देखिए प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड थे, जब ये सॉलिड फेज में जाता है तो ये आयनिक में बदल जाता है। NO2 प्लस और NO3 माइनस। आप देख सकते हैं आपको आयनिक दिखाई पड़ रहा है, एक प्लस है और एक माइनस। तो अगर आपसे पूछा जाए गैसियस फेज में N2O5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो वो sp2 होगा। लेकिन अगर सॉलिड फेज में आपसे पूछा जाए तो ध्यान से सब लोग सामने देखें, कैटायनिक पार्ट है NO2 प्लस, प्लस मानेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर। समझ में आए तो ठीक, वरना घर पर जाकर देखिए। अब हम यहां पे समय नहीं दे पाएंगे। आप देख सकते हैं NO2 प्लस में जो नाइट्रोजन है उसने सिर्फ 2 सिग्मा बनाए हैं, लोन पेयर नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। ठीक है, NO3 माइनस NO, इज इट क्लियर। आप देख सकते हैं NO3 माइनस में सिर्फ 3 सिग्मा है, जो लोन पेयर था वो डोनेट कर दिया है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। क्लियर? तो कहने का बड़ा मतलब क्या, देखिए गैसियस फेज में कोवेलेंट था, हाइब्रिडाइजेशन कुछ और था, सॉलिड फेज में आयनिक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कुछ और हो गया। ओके, ये बेटा हमको याद करना पड़ता है कि गैसियस फेज में सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर वो फार्मूला क्या होगा, NO2 प्लस NO3 माइनस, ये याद करना पड़ता है। ओके, और देखो बेटा एक तुम लोग करोगे, चलो जैसे PCl5 गैसियस फेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके कोवेलेंट होगा, मतलब पी 1Cl 2Cl 3Cl 4Cl 5Cl, लोन पे कुछ बचेगा नहीं, 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर होंगे, 0 लोन पेयर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। कोई प्रॉब्लम किसी को? आपको बताना है अब सॉलिड फेज में ये बदल जाता है आयनिक कंपाउंड PCl4 प्लस PCl6 माइनस। चलिए आपकी बारी है, PCl4 प्लस में P का हाइब्रिडाइजेशन बताइए और PCl6 माइनस में P का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, बताइए। चलिए भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए PCl4 प्लस का, PCl6 माइनस का।
करो, हो गया। जिसको लुईस स्ट्रक्चर आता है उसके लिए हल हुआ, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है। अब जल्दी जल्दी बता दो बस, आगे बढ़े फिर। पिकअप द सेंटर एटम, प्लेस अदर एटम इक्वली अराउंड इट, पॉजिटिव चार्ज एज्यूम्ड ओवर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एंड निगेटिव चार्ज एज्यूम्ड ओवर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम। अगर निगेटिव किसी पर मानते समय उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंटर एटम से जोड़ा जाता है। हो गया मेगा? आइए, इसका बताने की जरूरत है नहीं। 5 बॉन्ड बनाएगा, sp3d होगा। ये मैंने दोनों चित्र आपको कॉपी पर बनवाए हैं, आप दोबारा देख लीजिए। प्लस चार्ज किस पर मानेंगे? फास्फोरस। क्या ये दानवीर कर्ण है? बोलो बेटा, दानवीर कर्ण है। जिसको जितने चाहिए उसको उतने दे। अब देखते हैं लोन पेयर होगा कि नहीं होगा। 5वें ग्रुप का होता है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस का मतलब 1 चला गया, बचे 4। चारों कर लिया साझा, क्या कोई लोन पेयर बचा? नहीं बचा। आइए निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, कितने सिग्मा बनाए हैं? बोलो 4। तो 4 लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन मतलब बोलो sp3। किसी बच्चे को प्रॉब्लम? कितने लोगों का सही हुआ? कितने लोगों का सही हुआ? वहां पर भी सही हो रहा होगा क्योंकि यहां पर सभी का सही हुआ है। PCl6- मैं यहां चित्र बना दे रहा हूं। पिक अप द सेंटर एलिमेंट, प्लेस अदर एलिमेंट इक्वली अराउंड इट, एम राइट? माइनस एज्यूम करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, 7 और 1 8, ऑक्टेट पूरा हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दानवीर कर्ण है, जिसको जितने चाहिए उसको उतने दे। 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5ों का साझा कर लिया, कोई भी लोन पेयर नहीं बचा। क्या इस बॉन्ड को बनाने में इसका कोई योगदान है? नहीं। तो कितने सिग्मा है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। किसी बच्चे को बड़ा प्रॉब्लम है बता बताओ? नहीं। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये हम लोग को याद करना पड़ता है कि सॉलिड फेज में इसका क्या फार्मूला होगा, PCl4+PCl6-, इसका कोई तरीका आपके पास नहीं। PCl5 जब सॉलिड फेज में जाएगा तो PCl4+PCl6- में टूट जाएगा, राइट बेटा? तीसरा एग्जांपल, तीसरा बेटा एग्जांपल है PBr5। जब ये बेटा जाता है सॉलिड फेज में तो कैटायनिक पार्ट तो वही होता है जो PCl5 में था, लेकिन यहां पर एनायनिक पार्ट सिंपली हैलाइड हो जाता है। मतलब PBr5 जब सॉलिड फेज में जाता है तो इसके एनायनिक पार्ट में फास्फोरस नहीं होगा। इट इज सिंपल PBr4+Br-। क्या इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दिखाए? जैसे PCl4+ का आया था sp3, वैसे इसका भी आएगा sp3। अब मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं, ओके बेटा। नेक्स्ट एक और लिख लो बेटा, XeF6। जब ये जाएगा सॉलिड फेज में तो ये आयनिक में बदल जाता है XeF5+ or F-। ओके बेटा, XeF5+ or F-, ध्यान रखना ये चीजें हमको क्या करनी पड़ती है। या अब देखते हैं मेरे बच्चे बता पाएंगे नहीं, इस कैटायनिक पार्ट में कौन बताएगा जिनन का हाइब्रिडाइजेशन? करिए, इस कैटायनिक पार्ट में जिनन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। बहुत बढ़िया बेटा हर्ष, बेटा बहुत बढ़िया। इरफान,
ये उन बच्चों के नाम ले रहे हैं, अब झूठ बोल रहे हो तो भाई आप जानो, ये बच्चे वो हैं जिन्होंने हमें थम भेजा है कि सर हम आपका काम कर रहे हैं डेली। आमिर कमाल बहुत बढ़िया बेटा, बोलो बेटा क्या आया? SP3D2 आया, पिक अप द सेंटर एलिमेंट, प्लेस अदर एलिमेंट इक्वली अराउंड, प्लस चार्ज एज्यूम ओवर इलेक्ट्रोपोस्ट। दानवीर ऐसी की तैसी, ये ठीक। अब देखना, आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में क्योंकि ये जीरो ग्रुप का है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया बचे सात, सात में पांच का कर लिया साझा बचे दो, दो का मतलब एक लोन। तो मेरे बच्चे देख सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, पांच, कितने लोन पेयर है, एक, हाइब्रिडेशन होगा सिक्स SP3D2। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम है नहीं कर पाते हो तो फिर वही बात है, जाइए और ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर जाकर पढ़े। देखो बेटा मैं फिर बताऊं आपको, ये ट्वेल्थ नहीं है कि कोई भी चैप्टर कहीं से भी तुम बैठ के पढ़ने लगो और तुम्हें समझ में आने लगे। देखो ये ट्वेल्थ नहीं, दिस इज कंपटीशन। यहां पे हर चीज पहले की चीज से जुड़ी हुई है, पीरियोडिक टेबल से जुड़ा है, केमिकल बॉन्डिंग, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, इससे जुड़ा हुआ है वेस्पर थ्योरी, हर चीज जुड़ी हुई है। एक क्लास मिस करने का मतलब है आपने उस चैप्टर को तहस नहस कर दिया। ये आप समझ लीजिए, आपने किसी चैप्टर को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा पढ़ा लेकिन सवाल नहीं लगाए, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पढ़ते समय कोई क्लास मिस हो गई तो चैप्टर ही बर्बाद हो गया, कॉन्फिडेंस को मारो गोली। बात समझ में आ रही? इसलिए देखिए बेटा बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना पड़ता है। एक बात तो आप ये समझ लीजिए, 20 से पढ़ेंगे तो समझ में कोई चैप्टर नहीं आएगा, ठीक। दूसरी बात समझ लीजिए, अपन लोग के पास 6 महीने का समय बचा है, देखिए समय होता है अपन लोग के पास 10 महीने का, 11 महीने का। तो देखिए जो बच्चे फ्रेशर्स स्टूडेंट हैं, जो 12th पास करके आए हैं, स्पेशली वो सुने और सारे लोग भी सुने, हमें बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोर्स जो होगा जस्ट दुगनी स्पीड से भाग रहा है। पहले तुमने सोमवार को केमिस्ट्री पढ़ी तो मंगल को ऑफ, फिर ट्यूसडे को पढ़ते थे, अब क्या हो रहा है 7 डेज पढ़ रहे, बायो 7 डेज, फिजिक्स 7 डेज या 6 डेज। तो पर चैप्टर हर चीज डेली चल रही है, हर टीचर दुगनी स्पीड से भाग रहा है, भागना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय कितना है 6 महीने। तो बेटा आपको भी दुगनी स्पीड से भागना पड़ेगा। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, 8 आवर की सेल्फ स्टडी घर पर हमें चाहिए, ठीक है। चल थोड़ा कम कर दें अगर ज्यादा दिक्कत हो रही, 7 से 8 घंटा तुम्हें आज से पढ़ना पड़ेगा घर पर, तो कहीं जाकर एक अच्छा रिजल्ट आएगा, ये समझ लो। अब कैसे डिवाइड करते हो इस समय को, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, ये आपके ऊपर है, जिसका जैसा काम हो वैसा डिवाइड कर दो, ठीक है बेटा। चलो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। अच्छा भाई आए देख, अब सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, लास्ट हेडिंग पे जा रहे हैं, इसके बाद आपकी क्लास ओवर हो जाएगी, HW आपको मालूम चल चुका है। देखिए बेटा सुनना, आपने हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा, सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है भाई। आपने हाइब्रिडाइजेशन की एक पर्टिकुलर रेगुलर ज्योमेट्री भी देखी, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है जब सारे के सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल
हाफ फील्ड हो, सारे के सारों ने सिग्मा बॉन्ड बनाए हो, कोई भी लोन पेयर ना। सवाल अब ये उठता है कि अगर सेंटर एटम पे लोन पेयर आ जाए तो क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है उसकी सेप पर, क्या फर्क पड़ता है उसके एंगल पर। तो आइए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वेस्पर थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दैट इज, मैं पूरा नाम भी लिख दे रहा हूं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। कुछ नहीं है, देख रहा हूं अभी बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, वो अलग बात है, हम समझाएंगे थोड़ा ज्यादा। वेस्पर थ्योरी, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेस्पर थ्योरी के बारे में बताया गिलेस्पी एंड नीहॉल्म। गिलेस्पी और नीहॉल्म ने हमें इसके बारे में बताया, ठीक है। आइए एक पॉइंट और लिखते हैं, ये समझेंगे इसको, ए सेंटर एटम हैव लोन पेयर, देन इट्स रेगुलर ज्योमेट्री रिमेन सेम बट शेप एंड बॉन्ड एंगल गेट डिस्टॉर्टेड। To minimize repulsive forces, बस इतनी थ्योरी है, ठीक है। देखिए बताए, सुनना, इसको भूल जाओ, अंग्रेजी में क्या लिखता है हिंदी में समझो। मान लो हमारे पास एक एटम है, एक एटम, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, तुमने निकाला इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड से sp2 आ गया, कितनी sp2 होंगी, 3। अब ये तीनों sp2 आपको मालूम है मैक्सिमम एंगल पे ओरिएंट हो जाती हैं, तो हम लोग क्या करते थे, उठाना उनको sp2 को 120 के अंतराल पर ओरिएंट कर देते थे, यही तो करते थे बेटा, बोलो यही तो करते थे हम लोग, यही तो करते थे। अच्छा सुनना, ध्यान सुनना बेटा, अगर ये तीनों sp2 हाफ फील्ड है तो तीनों पर एटम आकर लग जाएंगे, रेगुलर ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्रायंगुलर प्लेनर। मान लो किसी एक जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थी वो फुल फिल्ड थी, क्या थी बेटा, फुल फिल्ड। जब वो फुल फिल्ड थी तो जाहिर सी बात है अब वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी, इट वर्क एज लोन पेयर, यहां पर कोई एटम नहीं आएगा। अब ध्यान सुना, मेरी बात ध्यान समझना, sp2 होने के कारण तीनों sp2 ओरिएंट तो हो गए ट्रायंगुलर प्लेनर में, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री तो अभी भी क्या है, ट्रायंगुलर प्लेनर। लेकिन जो sp2 फुल फील्ड है, जो sp2 लोन पेयर की तरह काम कर रही है, वहां पर कोई एटम तो आकर लगेगा नहीं, एटम तो आके वहीं पे लगेगा जो हाफ फील्ड है, समझना। माना 3 sp2 में से
सिर्फ दो sp2 हाफ फिल्ड थी तो क्या होगा, एक एटम यहां पे आके लग गया बेटा बोलो, और एक एटम यहां पे आके लग गया। सब लोग सहमत है क्या, यहां पर कोई एटम आके लगा नहीं? तो देखिए रेगुलर ज्योमेट्री तो ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगी। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल जहां पर ओरिएंट हो जाए, और सेप का मतलब क्या हो गया कि यहां पर तो कोई एटम आया नहीं तो ये हमारे लिए बेकार है, हम इसको देखेंगे नहीं। तो सेप इसकी क्या हो गई, एंगुलर हो गई। बेटा बोलो क्या हो गई, एंगुलर। आप एंगुलर भी बोल सकते हैं, या आप ऐसे अगर देखें तो आप वी शेप भी बोल सकते हैं। एम राइट? कहने का मतलब क्या है, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल पर लोन पेयर आ जाता है वो सेप को डिसाइड नहीं करती। मतलब इसका ज्योमेट्री तो बोलोगे ट्राई एंगुलर प्लेनर, लेकिन सेप बोलोगे वी शेप या एंगुलर शेप या बेंट शेप। हमारी बात समझ में आ रही? तो ध्यान रखिएगा, जब सेंटर एटम पे लोन पेयर आ जाता है, जब कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाती है तो ज्योमेट्री तो देखी वही रहती है, लेकिन लोन पेयर को शेप में देखते नहीं है, तो शेप क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। दिस इज द रोल ऑफ लोन पेयर। गॉट इट? गॉट इट? और देखेंगे सर क्या एंगल भी चेंज हो जाता है? हाँ, आप देखिए जरा ध्यान देखिए, अगर ये तीनों sp2 हाफ फिल्ड होती तो यहां पर भी कोई ना कोई एटम आकर लगता। बोलो बेटा एग्री? रेगुलर ज्योमेट्री भी ट्राइगोनल प्लेनर होती, और इस समय शेप भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि हर जगह पर क्या है, एटम। अच्छा भाई, ये सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने हैं, 120। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया है। अब मान लिया एक sp2 फुलफिल्ड हो गई तो वहां पर कोई एटम तो आएगा नहीं, पकड़ो। यहां पर क्या है, लोन पेयर। रेगुलर ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर ही रहेगी, शेप लेकिन क्या हो गई, एंगुलर, बेंट शेप या वी शेप। बात आ रही थी कि एंगल क्या होगा, सुनना, ये जो लोन पेयर होते हैं, समझना मेरी बात, लोन पेयर सेंटर एटम के काफी करीब होते हैं, मतलब काफी करीब अंदर घुसेंगे, बहुत पास में होगा, और बॉन्ड पेयर काफी दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका साझा होता है, उनकी शेयरिंग होती है, वो एटम से दूर चले जाते हैं। लोन पेयर की शेयरिंग नहीं होती है, एटम के पास रहते हैं। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, बहुत नजदीक होने के कारण ये इन बॉन्ड पेयरों पर रिपल्सन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रिपल्सन। इस रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड पेयर अंदर की तरफ दब जाते हैं, जिसके कारण जो एंगल पहले 120 डिग्री का था, अब वो एंगल 120 से कुछ कम हो गया। एम राइट? सोचो अगर इस लोन पेयर की जगह पर कोई एटम होता, अगर इस लोन पेयर की जगह पर कोई एटम होता तो ये लोन पेयर भी बॉन्ड पेयर बन जाता, डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती, ये रिपल्सन होता बॉन्ड पेयर जो ना के बराबर होता है, सारे के सारे एंगल रेगुलर होते 120 डिग्री के, लेकिन चूंकि यहां पर एटम आकर नहीं लगा, ये लोन पेयर था, लोन पेयर सेंटर एटम के बहुत नजदीक होगा तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन लगाएगा और ये बॉन्ड पेयर अंदर की तरफ धस जाएंगे, एंगल 120 से कुछ कम हो जाएगा। तो जल्दी बताओ, क्या लोन पेयर से शेप चेंज हो गई? हो गई। क्या लोन पेयर से एंगल में चेंजमेंट आया? आया। इज इट क्लियर? और देखेंगे, फिर लिखवाना चालू करेंगे और देखेंगे इसको और समझते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए टाइम थोड़ा पास करेंगे क्योंकि चीजें रटनी नहीं है हमको। आइए देखते हैं बेटा, मान लीजिए कोई ये एटम है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। बेटा बोलो कितना है sp3, मतलब कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी, चार। आपको मालूम है ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल
टेट्राहेड्रली ओरिएंट हो जाएंगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। एम आई राइट? आइए देखते हैं, एक ही बेटा आगे बड़ा बोला करो, एक ही आ गया 109.28 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, सॉरी एक ही आ गया और एक आपका हो गया समथिंग लाइक दिस। क्लियर है? आप सब लोग जानते हैं इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, देखिएगा बेटा अब, हाँ थोड़ा बेटा फिर से पढ़ा रहे हैं आपको। ये देखिए चारों के चारों sp3 जो हैं वो टेट्राहेड्रली ओरिएंट हो गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, वो हमेशा रेगुलर ज्योमेट्री में ओरिएंट हो जाती। अब अगर ये सब की सब हाफ फील्ड हुई तो यहां पर एटम आके जुड़ेंगे, बड़ा बोलो क्या जुड़ेंगे, एटम, एक एटम ऊपर आके जुड़ गया, एक एटम भाई यहां पे आके जुड़ गया, एक एटम भाई यहां पे आके जुड़ गया और एक बॉल बेकार हो गई है, एक एटम यहां पे आके जुड़ गया, जाओ ले जाओ बेटा तुम्हें गिफ्ट कर दी मैं, जाओ, और एक एटम यहां पर आकर जुड़ गया। सब सब ध्यान देखेंगे बेटा, अगर ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होती तो इन चारों पर आके कोई ना कोई एटम लगता तो शेप भी क्या हो जाती, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी वही हो जाती और शेप भी वही हो जाती। अब मान लिया कि कोई एक हाइब्रिड ऑर्बिटल फुल फिल्ड है, मतलब वो कैसे काम कर रही है, लोन पेयर, मतलब वो किसी के साथ अटैच नहीं होगी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बेकार, ये वाली क्या हो गया, बेकार हो गया, यहां पर कोई एटम नहीं आएगा, ये लोन पेयर बन गया। अब बताइए शेप क्या हो गई, पिरामिडल शेप, क्या हो गई, पिरामिड। आप देखिए बेटा अगर इसको हम ऐसे रख दें तो एक पिरामिड बनना है, क्या बनना है बेटा बोलो, पिरामिड बनना है। तो ज्योमेट्री क्या थी, टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो गई, पिरामिडल। क्यों पिरामिडल हो गई, जहां पर लोन पेयर आ गया वो अब शेप में डिटरमाइन, शेप में काउंट नहीं होगा, तो अब शेप क्या हो गई, पिरामिड। बात क्लियर है? मान लो दो लोन पेयर आ जाते तो एक एटम यहां से भी हट जाता, अब ये एटम भी अगर हट जाता तो अब देखिए ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या हो गई, एंगुलर वी शेप या बेंट शेप। क्या मेरे बच्चे समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो देखिए बेटा ज्योमेट्री का मतलब सिंपल होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे ओरिएंट होती है, एसपी मतलब लीनियर, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल। अब बात करते हैं शेप की, अगर हर जगह पर एटम आके लग गया तो शेप बिकम इक्वल टू रेगुलर ज्योमेट्री, अगर कहीं पर लोन पेयर आके लग गया तो शेप नेवर बी इक्वल टू रेगुलर ज्योमेट्री। ओके, बात करते हैं एंगल की, आप फिर देखिए जरा मेरी बात सब समझिएगा। यहां पर देखो सब लोग, ये मैंने इसमें क्या बनाया है, टेट्राहेड्रल, चारों के चारों बॉन्ड पेयर है, कहीं पर कोई लोन पेयर नहीं है, सारे जो एंगल्स होंगे 109 डिग्री 28 मिनट के होंगे। मान लिया एक लोन पेयर आ गया, क्या आ गया बेटा, लोन पेयर, शेप क्या हो गई, पिरामिडल, शेप क्या हो गई, पिरामिडल। अब देखें बेटा ये लोन पेयर सेंटर एटम के काफी नजदीक, नजदीक होने के कारण ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयरों पे क्या लगाएगा, रिपल्सन, रिपल्सन कारण क्या होगा, ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ऐसे अंदर की तरफ धस जाएंगे। जब ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर ऐसे अंदर की तरफ धस जाएंगे तो जाहिर सी बात है इनके बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कुछ कम हो जाएगा। सोचो अगर एक और लोन पेयर आ जाए, तो ये लोन पेयर भी अंदर रिपल्सन मारेगा, ये लोन पेयर भी अंदर रिपल्सन मारेगा, तो एंगल क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार से मेरे स्टूडेंट ने देखा, देखना इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब सेंटर एटम पर लोन पेयर आ जाता है
तो रेगुलर ज्योमेट्री तो वही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो जाएगी? जिस डंडे पर लोन पेयर आ जाएगा, जहां पर एटम अटैच नहीं होगा, वो शेप में काउंट नहीं होगा, तो शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के कारण उसका एंगल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? आइए, तो रिपल्सिव फोर्स आपने देखा, जब लोन पेयर नहीं होता है, सिर्फ बॉन्ड पेयर होते हैं, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन कोई काम का नहीं होता, क्योंकि बॉन्ड पेयर काफी दूर दूर होते हैं। लेकिन जब ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में बदल जाता है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन पिक्चर में आने लगते हैं। तो ध्यान रखो बेटा, हमारे पास मेनली तीन रिपल्सन होते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर बॉन्ड। ध्यान समझा बेटा मेरी बात? ये सबसे तगड़ा रिपल्सन होगा, क्यों? बहुत नजदीक नजदीक होंगे, उससे कमजोर, और ये होगा उससे कमजोर। ठीक है बेटा? ओके, ध्यान से लो, बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी फर्दर तीन प्रकार के होते हैं, डबल बॉन्ड रिपल्सन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन, और सबसे बेकार होता है सिंगल बॉन्ड रिपल्सन। ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स, ठीक है बेटा? ऑर्डर ऑफ रिपल्सिव फोर्स, सबसे तगड़ा फोर्स होता है लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर एटम के बहुत नजदीक होते हैं, दूरी जितनी कम होगी रिपल्सन उतना ज्यादा होगा। ठीक है? अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं अपने छात्रों के सामने एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। ले एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा, हटा दे इसको। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सब लोग सामने देखिए, BCl3 COCl2 और SnCl2, ठीक है, सब लोग सामने देखेंगे, राइट? देखना, अगर मैं बात करूं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड लगाइए, थर्ड ग्रुप का है, वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों का साझा कर लिया, कोई लोन पेयर नहीं बचा, दैट इज sp2। कार्बन तीन बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कोई होगा नहीं, sp2। यहां पर दो बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, sp2। ध्यान से मेरी बात समझना, अगर ये सबके सब sp2 हैं, तो रेगुलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, रेगुलर ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करें शेप की, अब देखना क्या कहीं पर कोई लोन पेयर है? अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप भी वही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, एम आर आई। लेकिन क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है। अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप भी वही होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या लोन पेयर है? है। एक डंडे पर लोन पेयर आ गया, वो डंडा अब हट गया, तो शेप क्या हो गई? वी शेप या एंगुलर। क्या मेरी बात से सहमत हो? तो आप देखिए, जब लोन पेयर आ जाते हैं तो रेगुलर ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज हो जाती। बात खत्म नहीं हुई है। मान लो यहां पर ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2 और ये एंगल है θ3। मैंने आपसे पूछा θ1 θ2 θ3 में ऑर्डर बताइए। यहां पर देखिए कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये अंदर दबाने वाला कोई फैक्टर नहीं है, तो θ1 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। यहां पर देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन लग रहा है,
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट थोड़ा सा डोमिनेटिंग होता है, सिंगल बॉन्ड से मैंने अभी लिखा था, तो थोड़ा सा अंदर दबेगा कुछ कम हो जाएगा, और यहां पर तो लोन पेयर दबाएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी और कम हो जाएगी। आपको बापरे समझ में आ रही है, यहां पर सिंगल बॉन्ड रिपल्सन है जिनको रिपल्सन नहीं माना जाता, जो नॉर्मल होते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्सन लगेगा, ये थोड़ा सा अंदर की तरफ दबेगा, थीटा टू की वैल्यू कुछ कम हो जाएगी। यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन लगेगा, कस के अंदर दबाएगा, थीटा की बोली थोड़ी और कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने वेस्पर थ्योरी का रोल आपको सिखाया। ये आपकी क्या है, हाँ ज्योमेट्री, वेरी गुड। और ये बेटा आपका क्या है, सेम, ठीक है। ओके, बताइए इन तीनों एंगल में वो कौन सा एंगल है जो एग्जैक्ट 120 डिग्री होगा? थीटा वन, इट इज एग्जैक्ट 120 डिग्री। ओके, ये 120 से कुछ कम होगा और ये 120 से काफी कम होगा, बिकॉज इट फील लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, व्हाइल इट फील जस्ट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्स। इज इट क्लियर? ओके, यस बेटा, यही होती है आपकी वेस्पर थ्योरी। अब आइए इस वेस्पर थ्योरी को डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन पे लगाएं। आज का ये आखिरी पॉइंट हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं हमने, समझाया था सिर्फ। तो क्या आपको ये समझ में बेटा आया? प्लीज सुनना, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे ओरिएंट हो जाए, चाहे वहां पर एटम आए चाहे वहां पर एटम ना आए, दैट इज कॉल्ड रेगुलर ज्योमेट्री। और शेप का मतलब होता है जहां जहां पर एटम आकर जुड़ते हैं वो डिसाइड करेगा शेप। इज इट क्लियर? ओके, आइए बेटा अब हम लोग इसी चीज को अप्लाई कर देखेंगे। देखिए, जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर, बोले तो हाइब्रिडाइजेशन। प्लीज समझ दो, सब लोग लिखो नहीं अब। बॉन्ड पेयर ऑब्लिक लोन पेयर, और यहां पर से, ठीक है। जरा अंकित को भैया, अंकित इधर देखो सब लोग। मान लो किसी सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है दो, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। अब सब लोग ध्यान सुनेंगे, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 पर ओरिएंट हो जाएंगे। रेगुलर ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर, उसमें कोई शक नहीं है। एक बार और अपने छात्रों को दिखाना चाहेंगे, एक बार और, ठीक है। आप उधर से ले लो, यहां कैसे देंगे, ऐसे ये लो पर्स, ऐसे लो, इसे निकालो पर्स, इधर देखो बेटा। अब मान लो हमने आपको बोला एक गेंद कहां चली गई है, तो इसे इधर देखो बेटा, ये सेटर, समझना, हम रटाएंगे बिल्कुल नहीं, चाहे दसवां समझाना पड़े, समझना। ये सेंटर एटम था, हाइब्रिडाइजेशन था sp, ठीक है। दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थी जो 180 डिग्री पर क्या हो गई, ओरिएंट हो गई, ठीक। रेगुलर ज्योमेट्री क्या है? लीनियर, कोई डाउट नहीं। अच्छा भाई, अब दोनों जगह एटम आके लग जाए तो शेप क्या हो गई, लीनियर, रेगुलर ज्योमेट्री की जैसा। और एक जगह पर लोन पेयर आ जाए, एक जगह पर एटम आपके लग जाए, तो भी शेप क्या होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन है जहां पर लोन पेयर आने से शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों जगह एटम आके लगा दो तो भी लीनियर, एक लोन पेयर कर दो, एक जगह एटम आके लगा दो तो भी क्या होगा, लीनियर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो आप देखिए जरा सब लोग, हेलो,
हाँ बेटा जी सर नमस्ते बेटा, अभी क्लास में बाद में बात करते, ठीक है? ये देखो बेटा, तो क्या हुआ सब देखेंगे। अगर मान लो दो इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक बॉन्ड पेयर बन जाए और एक क्या बन जाए, लोन, ध्यान देना बेटा, सब देखेंगे। ये रहा सेंटर एटम, एक एसपी यहां गया, एक एसपी यहां गया। रेगुलर ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। अब मान लिया एक पर क्या आ चुका है? लोन पेयर। तो वो तो किसी एटम से कंबाइन करेगा नहीं, एक पर नहीं आया तो वो एटम से कंबाइन करेगा। रेगुलर ज्योमेट्री भी लीनियर थी और आप देख सकते हैं शेप भी क्या है, लीनियर। इज इट क्लियर? बात करें एग्जांपल की, इसका एक ही एग्जांपल है, कार्बन मोनो ऑक्साइड। ओके, अब आप खुद सोचिएगा चित्र कैसे बनाया है। अब चित्र इतना हम आपको नहीं सिखाने वाले, आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है। ठीक है, आप देखो बेटा, एक सिग्मा बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन होगा एसपी और सेप हो जाएगी लीनियर और ज्योमेट्री भी क्या होगी। यहां पर एटम आके लग जाता तो भी ये लीनियर रहता, लोन पेयर हो गया, आपने इसको छुपा लिया, अभी भी कैसा दिखाई पड़ रहा है, लीनियर। गॉट इट? सुनना बेटा, मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर होते तीन, ध्यान से लो देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, कोई दिक्कत नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर ये sp2 होगा तो जाहिर सी बात है कि तीनों sp2 जो होंगी वो 120 डिग्री पर क्या हो जाएंगी, ओरिएंट हो जाएंगी। किसी को प्रॉब्लम? किसी को प्रॉब्लम नहीं भाई, प्लीज सुनते रहो। रेगुलर ज्योमेट्री क्या हो गई? ट्राइगोनल प्लेनर। चाहे एटम यहां पे लगे, चाहे एटम यहां पे ना लगे, रेगुलर ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में हाइब्रिड ऑर्बिटल ओरिएंट हो जाती, हमेशा क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखना, तीनों पर एटम लग गया तो शेप भी हो गई ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन मान लो एक पर आ गया लोन पेयर तो ये तो बेकार हो गया। दो जगह आकर लगेगा एटम, शेप क्या हो जाएगी? वी शेप या बेंट शेप या एंगुलर। इज इट क्लियर? अभी बना के दिखा चुका था तो दोबारा नहीं बना रहा हूं, क्लियर हो गया? देखिए, मान लीजिए तीन में से दो बॉन्ड पेयर बचे और एक बदल गया लोन पेयर। प्लीज सामने देखिए, सबसे पहले आपने रेगुलर ज्योमेट्री बना दी, ये देखिए रेगुलर ज्योमेट्री बना दी। अब एक जगह पर लोन पेयर आ गया तो वो हमारे काम का नहीं बचेगा, और दो जगहों पर एटम आके जुड़ गए, इसको छुपा लीजिए, बताइए शेप क्या दिखाई पड़ रही है? वी शेप, एंगुलर या बेटा बोलो बेंट से। जिस डंडे पर लोन पेयर आ जाए वो डंडा छुपा लिया करो, वो सेप में काउंट नहीं किया जाएगा। देखते हैं मेरे कितने बच्चे बताएंगे, सहमत हो कि नहीं हो एग्जाम्पल से, बताओ एग्जाम्पल से सहमत हो या नहीं हो, क्या ये एग्जाम्पल इसको दिखा रहा है? बक्का, आप देखो SN, एक Cl, दो Cl, चौथे ग्रुप का होता है दो शेयर कर लिए, दो बचे एक लोन, तो दो बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, रेगुलर ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर और शेप होगा एंगुलर या वी शेप। गॉट इट? बिल्कुल सही एग्जाम्पल लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए चार, तो हाइब्रिडाइजेशन बेटा क्या होगा? sp3।
क्या होगा sp3। कितने बार दिखा चुके हैं आप लोगों को, जानते हो क्यों दिखाते हैं? मैंने भी एक बार देखा, दो तीन साल देख रहा हूं, कुछ टीचर्स हैं जो यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। एक गाना बता रखा है, मुझे गाना याद नहीं है, प्यारी सी वो कुछ है ऐसे गाना है, तो मैं बहुत ही शौक, गाने की क्या जरूरत है भाई, जितने लोन पे आते जाए उतने डंडों को हटाते जाओ, डंडे हटाते जाओगे सेप आपको दिखाई पड़ती जाएगी। ठीक है, आ जाओ एक बार फिर से देखते हैं। हम टाइम इसीलिए ले लेते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इस पे ज्यादा जोर देते हैं। ये मान लीजिए कोई सेंटर एटम है जिसका हाइब्रिड, इसने बेटा बोलो क्या है sp3, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी, चार, चारों की चारों मैक्सिमम एंगल 109 डिग्री 28 मिनट पर ओरिएंट हो जाएंगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे यहां पे लोन पेयर हो चाहे यहां पे बॉन्ड पेयर हो, रेगुलर ज्योमेट्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे, चलो भाई, एक दो तीन और चार, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसकी रेगुलर ज्योमेट्री बेटा बोलो क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब चारों पर एटम आके लग गए तो शेप भी क्या है, टेट्राहेड्रल है। अब सुनना, माना एक जगह पर आ गया लोन पेयर, क्या आ गया लोन, तो अगर लोन पेयर आ गया तो अब ये शेप में डिसाइड नहीं होगा, हटा दिया, सिर्फ तीन जगहों पर एटम आएगा, लगा के दिखाएं क्या, तीन जगहों पर एटम आएगा, सेप बोलो पिरामिडल, सेप बोलो। अब आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ेगा, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं इसको जमीन में रख के दिखाता हूं, ओके, तो सेप जंतु क्या आती है, इसकी पिरामिडल आती है, और मैं आपको दिखाऊं, अच्छा आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कोई पिरामिड बना दिया है, आप देख रहे बेटा ये कहां पर गया, ये रहा और ये रहा, ठीक है, अपना बैग उठाओ, आपको दिखाएं, बैग देना, आप देखो जरा, अगर कॉपी भी नहीं आ पाएगा, बड़ा चित्र आप देख सकते हैं बेटा, इसको अगर हम एक समतल जगह पे रख दें ये ऐसे रख जाएगा, तो आपको ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, एक पिरामिड टाइप का बन गया, ओके, तो इसकी शेप बेटा बोलो क्या हो गई, पिरामिड, सबको दिखाई पड़ रहा है बेटा, से बड़ा बोलो क्या हो गई इसकी, ओके, अच्छा सुनना, लेकिन ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल, शेप क्या हो गई, मान लो दो लोन पेयर आ जाए, तो अगर दो लोन पेयर आ जाएंगे तो एक जगह से एटम और हट जाएगा, बड़ा बोलो अब शेप क्या हो गई, एंगुलर वी शेप या बेंट, तो बहुत ही सिंपल होता है, रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल जैसे ओरिएंट हो जाए, और शेप का मतलब होता है जहां जहां पर एटम आएंगे उनको मिलाने पर जो ज्योमेट्री सामने आए उसे शेप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सब लोग बेटा, तो sp3 में हमारे बच्चों के सामने दो केस पैदा होते हैं, प्लीज सामने देखेंगे, बच्चों के सामने दो केस बनेंगे कि चार में से एक बदल जाए लोन पेयर में और चार में से लोन पेयर हो जाए, ऐसे बेटा देखना, ज्योमेट्री तो दोनों की ही टेट्राहेड्रल रहनी है, जगह थोड़ी कम पड़ी दाएं बाएं करके बना रहे हैं, ठीक है, टेट्राहेड्रल प्लीज सामने देखो ना, ये टेट्राहेड्रल ये भी रहेगा और टेट्राहेड्रल बेटा बोलो, आजा बेटा, ए तो ज्योमेट्री दोनों की टेट्राहेड्रल है, अब देखना एक लोन पेयर आ गया, एक डंडा हो गया बेकार, तीन जगह पर क्या है बॉन्ड पेयर, तो जब लोन पेयर आ गया तो वो शेप में काउंट नहीं होगा, आप जरा देखिए इसकी शेप क्या बनी, आपको ऐसा लग रहा है आप इसको अगर छुपा लें एक पिरामिड टाइप का बन गया है, तो इसकी शेप बेटा क्या हो गई, पिरामिडल, यहां लिख दें, हाँ तो वो लिखेंगे हम एग्जांपल लिखेंगे, कोई बात चिपका के यहां लिख दे रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, इंक खत्म हो गई थी,
आ गई पिरामिडल। अब तुम लोग बताओगे दो लोन पेयर आ गए तो दो डंडे तो बेकार हो गए बेटा, बोला करो सिर्फ दो जगह क्या आएंगे बॉन्ड पेयर। तो इनको मिलाने पर इन डंडों को अगर हम छुपा लें तो आपको शेप क्या दिखाई पड़ रही है, वी शेप, एंगुलर या बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर या बेंट शेप। इज इट क्लियर? जो रटेगा वो खत्म हो गया, जिसने रटा वो खत्म बेटा। ध्यान रखिए आगे बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट, डाइपोल मूवमेंट कॉन्सेप्ट, बॉन्ड एंगल कॉन्सेप्ट और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो रटेगा वो खत्म, ठीक है। अब देखते हैं, मैं एग्जांपल लिखने जा रहा हूं, क्या मेरे बच्चे सहमत हैं? पहले वाले का एग्जांपल लिखा है अमोनिया और दूसरे वाले का लिखा है वॉटर, देखें सहमत हो कि नहीं, बता पक्का क्यों? अमोनिया एन, एक एच, दो एच, तीन एच, पांच में तीन चले गए बच्चे, दो का मतलब एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शेप होगी पिरामिड। गॉट इट? वाटर ओ एच एच, छह में से दो गए चार, दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, दो डंडे हट गए, शेप हो गई वी शेप। कोई डाउट बेटा किसी को? कोई डाउट बेटा बताओ? सुन बताने चाह रहा हूं, ठीक है। देखो देखिए बेटा, ये तो बहुत ही नॉर्मल केस होता है, लोन पेयर हो चाहे ना हो, शेप भी वही रहती है और ज्योमेट्री भी हमेशा वही रहती है, तो बेकार वाला केस है। यहां जरा देखो, ये हमने ऐसा मॉलिक्यूल लिखा है जिसके पास दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम ऐसे शो करते हैं। देखना, देखो ए, ए का मतलब हो गया सेंटर एटम, कितने बॉन्ड पेयर है बे? दो, बी टू, और कितने लोन पेयर है? एक, एल वन। इस मॉलिक्यूल को कहेंगे ए बी टू एल वन, बताओ इसको क्या कहोगे? ए B3L1, और इसको बोलो क्या कहोगे? A B2L2। सेंटर एटम जिसके पास दो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, रेगुलर ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, शेप होगी वी शेप, बेंट शेप या एंगुलर। किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई बेटा आगे बढ़ने हम लोग जा रहे हैं, ध्यान देखेंगे। एसपी हो गया, sp2 हो गया, sp3 हो गया, लोन पेयर दिखाते हुए हमने शेप को आपको बता दिया, ओके आगे बढ़ेंगे, हटा रहे इसको आगे। अगला बेटा केस कौन सा है? sp3d, जिसका मतलब होगा कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? पांच। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ जाओ, लिखवाएंगे बाद में, पहले समझाएंगे, पहले समझाएंगे, चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, बताया जाए, देखेंगे। ये रहा हमारा सेंटर एटम, बेटा सीखा देखिए, उठा बेटा, चलो पकड़ लो बेटा, आ जाइए भाई, तुम कौन हो? तुम बेकार, एक गेंद गिर, हाँ ये गेंद, आ जाओ भाई। ये रहा सेंटर एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन बेटा बोलो क्या है? sp3d, कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी? पांच।
पांचों की पांचों ट्राइगोनल बाईप्रिमिडल में ओरिएंट हो जाएंगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाईप्रिमिडल। सहमत है? आइए देख लेते हैं, देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए, हाँ ट्राइगोनल बना देते हैं पहले हम लोग। ये देखिए, आप समझ गए होंगे इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड हम बना रहे हैं जिनकी लंबाई थोड़ी कम होती। बड़ा बोलो, ये मैंने बना दिए एक्सियल वाले, एक ऊपर और एक बड़ा बोलो नीचे। ये आपका क्या बन गया? रेगुलर ज्योमेट्री बन गया है ट्राइगोनल बाईप्रिमिडल। ठीक है, अब अगर पांचों जगहों पर एटम आके लग गया तो शेप भी क्या होगी? ट्राइगोनल बाईप्रिमिडल। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रही? अच्छा भाई, अब क्या हुआ? इसके पास हमने लोन पेयर लाना चालू किया। सुनना पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि लोन पेयर हम एक्सियल पोजीशन पे रखें या हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखें। आप याद करिए बेंट रूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां रहना चाहता है जहां परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा है, और लोन पेयर वहां रहना चाहता है जहां पर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है। जिसके लिए बेंट रूल लिखवाया था। तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल, लोन पेयर अगर पिक्चर में आएगा तो हम उसे कहां पे रखेंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। सुनते रहना, हम बहुत समझाएंगे। सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वहां रहना चाहता है जहां पे परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा हो। आपने चोर वाली कहानी सुना के समझा दिया था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहेगा आसानी से इलेक्ट्रॉन घसीटने को मिले, और ये तभी पॉसिबल है जब सामने वाले का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, और ये तभी पॉसिबल है जब उसका परसेंटेज पी करेक्टर ज्यादा हो। इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करता है। सवाल यह है कि लोन पेयर वहां पे रहना क्यों पसंद करता है जहां पे एस करेक्टर ज्यादा है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो एटम के सर पर रखे रहते हैं, और एटम के सर पर वही रहेगा जो एटम के सबसे नजदीक हो, और एटम के सबसे नजदीक होता है एस। तो इसलिए लोन पेयर वहां पे रहना पसंद करता है जहां पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो, ताकि वो न्यूक्लियस के नजदीक रहे। ठीक है, ये गड़बड़ हो रहा आज। हाँ देख देखो बेटा, तो ट्राइगोनल बाईप्रिमिडल में अगर लोन पेयर पिक्चर में आएगा तो अकॉर्डिंग टू बेंट रूल आप उसे कहां पे रखेंगे? इक्वेटोरियल पे रखेंगे। सब लोग तैयार हैं? आइए थोड़ा एंजॉय करते हैं, इसको देखते हैं। चलो देखें, सब लोग देखेंगे। सबसे पहले तो शेप बराबर रेगुलर ज्योमेट्री बना देते हैं, मतलब हर जगह पर क्या लगे हुए हैं? एटम लगे हुए। ठीक है, मेरे थोड़ा ना ध्यान से देखेंगे। ओके, क्या बना दिया मैंने? ट्रायंगल बना दिया, और ये रही दो बॉल जो ऊपर लगी हुई है। एक पिरामिड ऊपर बन चुका है बेटा, बोला करो, और एक पिरामिड कहां बन चुका है? नीचे। अब देखना, अगर हर जगह पर एटम आके लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि शेप भी इसकी रेगुलर ज्योमेट्री की जैसे ट्राइगोनल बाईप्रिमिडल है। अब माना एक आ गया लोन पेयर, तो लोन पेयर कहां आएगा? इक्वेटोरियल पे। एम आर आई हटा दिया, यहां पर एटम अब नहीं आएगा। जब हटा दिया तो ये पिक्चर से हट गया। आप जरा इसको ध्यान से अगर देखें, तो अगर ध्यान से आप देखें तो आपने बचपन में पार्क में गए होगे जहां पे ऐसे करके गड़ा होता था और एक पटरा लगा होता था, तुम यहां बैठते थे, वो यहां बैठती थी, बोलो, और तुम लोग ऐसे करके झूला झूलते थे।
एमराइट क्या बन चुका है? ये बन चुका है सीसा सेब। बेटा बोलो क्या बन चुका है? बेटा बोलो क्या बन चुका है? सीसा सेब बन गया है। ये देखिए जमीन पर दो पटरे, दो इंगल गड़े हुए हैं जिसपे एक लकड़ी का तख्ता पड़ा है। तुम यहां बैठे हो, वो यहां बैठी है और दोनों लोग झूला झूल रहे हैं। क्या बन चुका है ये? ये झूला बन गया है और इस झूले को कहते हैं सीसा सेब। बेटा बोलो क्या कहते हैं? सीसा सेब। तो एक लोन पेयर आने पर ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन सेप हो जाएगी सीसा सेब। एम आई राइट? देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। आप देख सकते हैं यहां पर पहले एटम था, सेप थी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, एक लोन पेयर आया, ये हट गया, सेप आपकी हो गई सीसा सेप। अब मान लो एक लोन पेयर और आ जाए, वो भी कहां रखोगे? इक्वेटोरियल पर। ये भी हट गया, हट गया, हट गया, ये किसी काम का नहीं, ये किसी काम का नहीं। आप देखिए क्या दिखाई पड़ रहा है? टी क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या दिखाई पड़ रहा है? तो क्या सेब बन गई? टी सेब। क्या सेब बन गई? क्या सेब बन गई? और उम्मीद करते हैं समझ गए हो गए, अगर तीसरा लोन पेयर आ गया तो सेब क्या बन गई? लीनियर। क्या बन गई? क्या बन गई? एम राइट। तो इस प्रकार से देखिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एक लोन पेयर आने पे झूला बन जाता है सीसा सेब, दो लोन पेयर आने पे बन जाता है टी सेब, और तीन लोन पेयर आने पे बन जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब दिखाई पड़ रहा होगा। एम राइट बेटा? आइए प्लीज, आप जरा जोर मत डालिएगा अपने हाथों पे, पहले देख लीजिए। रेगुलर ज्योमेट्री तीनों में ही रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखना, एक बदल गया लोन पेयर में, दो बदल गए लोन पेयर में, और तीन बदल गए लोन पेयर। सब लोग बताएंगे नाम क्या पड़ेगा इसका? AB4L1 बोला करो, AB3L2 और AB2L3। एम राइट डियर? ध्यान दो सब लोग, ध्यान दो। ज्योमेट्री तो वही रहनी है तीनों की, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बेटा बोलो, ज्योमेट्री वही रहनी है तीनों की, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री वही रहनी है तीनों की, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। प्लीज बिना सब लोग सामने देखेंगे, लिखने पर जोर मत दीजिए। ये देखिए बिना, अब मान लीजिए एक लोन पेयर आ गया तो एक्सियल पे रखोगे या इक्वेटोरियल पर? इक्वेटोरियल, क्योंकि वहां पर परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा, बेकार हो गया। चार जगहों पर एटम आके जुड़ गया। आप देख सकते हैं अगर इसको जमीन मान लें तो जमीन पर दो एंगल गड़े हुए हैं, उन पे एक पटरा लगा हुआ है और आप इस प्रकार से झूला झूल रहे हैं। इसे हम लोग कहते हैं सीसॉ सेब। एक नाम इसका और भी होता है, इररेगुलर टेट्राहेड्रल। बात समझ में आ गई? मान लीजिए दो लोन पेयर आ जाए तो दो इक्वेटोरियल पर लोन पेयर आ गए। आप देख सकते हैं, आपको दूर से दिखाई पड़ेगा इट इज टी से, ओके। और अगर तीन लोन पेयर आ जाए तो तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन बेकार हो जाएंगी, सेप क्या होगी? लीनियर। सेप ना बोलो क्या होगी? लीनियर। किसी बच्चे को डाउट है? बोलो बड़ा, कोई डाउट है? अच्छा, अगर आपको ये समझ में आया है, अब मैं देखना ये चाहूंगा कि आपको एग्जांपल क्लियर हो रहे हैं, बताओ सही है गलत। एग्जांपल से सहमत हो बताइए,
एग्जाम्पल से सहमत हो? बोलो पक्का? चित्र ऐसे ही बनाइए कि बढ़िया से सुंदर सुंदर चित्र है ना। एसपी थ्री डी, एक लोन पे रहने पर सीसा सेब बन गया, दो लोन पे रहने पर टी सेब बन गया, और तीन लोन पे आने पर लीनियर बन गया। ठीक है, आइए देखो जरा बेटा। एसएफ फोर, सल्फर ने चार फ्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिए, छह में से चार चले गए बच्चे, दो दो का मतलब एक लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, बिल्कुल सही एग्जांपल लिखा हुआ है। सही या गलत? सही है, तीन बॉन्ड पेयर है, सात में तीन चला गया, चार चार का मतलब दो लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री डी, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और शेप होगी टी से। क्लियर? यहां बताइए सहमत है कि नहीं है। एग्जी एफ टू, दो बॉन्ड पेयर, आठ में दो चले गए बचे छह, छह का मतलब हो गया तीन लोन पेयर। ओके ठीक है, चलिए आइए आपको कुछ और बताएं। ये एच डब्ल्यू आपको हम दे रहे हैं, इसके ऊपर मैंने आपको लोन पेयर का प्रभाव ना सिर्फ सेप पर भी दिखाया बल्कि मैंने एंगल पर भी आपको दिखाया है। ओके, तो आइए आपको एक एच डब्ल्यू दे दें, यहां पर करके लाएंगे हमारे बच्चे एंगल। ठीक है, ये थीटा वन है और मान लीजिए ये थीटा टू है, घर से करके लाइएगा, थीटा वन थीटा टू में ये एंगल कितना होगा? लेस देन 90, लेस देन 180, लेस देन 120, आपको ये बताना है। ठीक है, और यहां पर एक ये एंगल पूछ रहे हैं हम आपसे, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। ठीक है, यहां पर भी आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है, थीटा की वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। अच्छा, यहां पर मैं एक बात जरूर अपने बच्चों को बताता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी की बात है, समझिएगा। आप सेप तो समझ ही गए होंगे, ये परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे होंगे, यहां पे क्या रखे हैं बेटा? लोन पेयर। ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर पे क्या लगाते हैं? रिपल्सन। रिपल्सन के कारण ये जो डंडा आपको सीधा दिखाई पड़ रहा है ये क्या हो गया? अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया मामला, आपने बना लिया था तो ये जो डंडा सीधा था वो हल्का सा क्या हो जाता है? बेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? बेंट। नीचे वाला भी हल्का सा बेंट हो जाता है, इसीलिए टी शेप को एक्चुअली में कहा जाता है, एनसीईआरटी में लिखा है बेंट टी शेप। मतलब बोलो क्या होता है? बेंट। आपको बहुत कम जगह पर बेंट लिखा मिलेगा, आपको मेजरली क्या लिखा मिलेगा? टी शेप। एक्चुअली क्या होता है? बेंट टी शेप। ठीक है, देखिए बेटा, देखो बेटा होता क्या है कि वैसे तो डंडे हटाकर आप कोई भी शेप बना सकते हो, लेकिन एसपी थ्री डी में मैं अपने बच्चों को ट्रिक भी देता हूं, और मेरी ट्रिक है सैटेलाइट 1 2 3। हम यहां पर एक ट्रिक भी बच्चों को देते हैं। ठीक है, मतलब एसपी थ्री डी में एक लोन पेयर होगा तो सीसा शेप बोलेंगे, दो लोन पेयर होंगे तो टी शेप बोलेंगे, एक्चुअली में होती है बेंट टी शेप, और तीन लोन पेयर होने पर लीनियर। मैं एसपी थ्री डी में ये ट्रिक बच्चों को बनाकर देता हूं, सैटेलाइट 1 2 3, सीसा शेप, टी शेप और लीनियर। ठीक है, अच्छा भाई, इसके बाद हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री डी टू, रेगुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, और यहां पर लोन पेयर के दो केस पिक्चर में बनते हैं, यहां पर लोन पेयर के दो केस बनते हैं, एक बदल जाए
लोन पेयर में ए बी फाइव एल वन और दो बदल जाएं लोन पेयर में ए बी फोर एल। ओके, बहुत ही सिंपल है, आप देखेंगे किससे बनाया था। चलिए ओके, जब आप लोग लिख रहे हैं तब तक हम बना ले रहे हैं। जब तक आप लोग लिख रहे हैं हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। हो गया, देखिए बेटा, चलो भाई आ जाओ। ये देखिए आप लोग समझ चुके हैं, ये आपके सामने आ चुका है स्क्वायर बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री तो यही होगी। अब छह जगहों पर एटम आके लग जाए तो सेप भी यही हो जाएगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। अब सुनना क्या हुआ, इस पर एक लोन पेयर आ गया है। देखिए बेटा यहां पर हमसे रीजन मत पूछना, कोई रीजन काफी कंफ्यूजिंग है। अगेन इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ बेंट रूल। हम बेंट रूल का दूसरा रूप बताकर तुम्हें बेंट रूल से कंफ्यूज नहीं करना चाहते। आप बेंट रूल को बस वही पॉइंट याद रखा करिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज ऑक्यूपाइज द ऑर्बिटल हैविंग मोर परसेंटेज पी कैरेक्टर। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाइज द ऑर्बिटल हैविंग मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। और मत पढ़िए, ठीक है बेटे। स्क्वायर बाई पिरामिडल में क्या होता है, हम लोग लोन पेयर को हमेशा एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं। बोलो कहां पर, जबकि याद करिए ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में कहां पे रखा था, इक्वेटोरियल, ठीक है, मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, ठीक है। अब सुनना, यहां पे रखा, अगर यहां पे तुमने लोन पेयर रखा तो यहां पर कोई एटम नहीं आएगा। एटम यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, तो स्क्वायर बनेगा और एक पिरामिड बनेगा, लेकिन एक पिरामिड क्या हो गया, गायब, शेप हो गई स्क्वायर पिरामिड। क्या हो गई, मान लो दूसरा लोन पेयर आ गया तो नीचे वाला पिरामिड भी खत्म हो गया, शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर। बोलो क्या हो गया बड़ा, बोलो क्या हो गया। इसको प्लेनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके सारे एटम जो है वो एक ही प्लेन में। दैट्स इट, कहने का मतलब फिर से देखेंगे, अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप भी होगी स्क्वायर बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर आ गया, शेप हो गई स्क्वायर पिरामिडल, और दो लोन पेयर आ गए तो शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर। कोई डाउट बेटा किसी को, तो आइए हमारे साथ देखेंगे। ये देखो बेटा, ये रहा सेंटर एटम, एक sp3d2, दूसरा, तीसरा, चौथा, और एक परपेंडिकुलर ऊपर, एक परपेंडिकुलर नीचे। ओके बेटा, अब मान लीजिए एक लोन पेयर आ गया तो ये डंडा बेकार हो गया, चार जगहों पर एटम आ जाएंगे और पांचवी जगह पर भी एटम आ जाएगा। ये देखिए बेटा, आपको दिखाई पड़ रहा है स्क्वायर पिरामिडल। क्या आप सहमत हैं? यहां पर देख सकते हैं, ये रहा सेंटर एटम, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, दो जगहों पर लोन पेयर आ गया, दोनों एक्सियल पोजीशन बेकार हो गई, चार इक्वेटोरियल पर
तो सेप हो गई स्क्वायर प्लेनर। अब देखते हैं मेरे स्टूडेंट एग्जाम्पल से सहमत होंगे कि नहीं, बताओ सहमत हो या नहीं। बताओ, सात में पांच चले गए बच्चे, दो दो का मतलब है। तो पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। बोलो बोलो, सहमत है। चार बॉन्ड पेयर आठ में चार चले गए बच्चे, चार चार का मतलब है दो लोन पेयर। बड़ा कोई प्रॉब्लम? क्या मैंने आपको कोई भी सेप याद करवाई है? नहीं, बस आपकी सुविधा के लिए एसपी थ्री डी में एक ट्रिक बता दी है, सैटेलाइट वन टू थ्री। ठीक है, चलो लिख लिया। ओके चल भाई, आग बंद करेंगे, आग बंद करेंगे, जो पूछेंगे वो चित्र आपके दिमाग में आना चाहिए। बोले बोलो, हाइब्रिडाइजेशन एसपी रेगुलर ज्योमेट्री। बोलो, मतलब दोनों एसपी जो है 180 पे ओरिएंट हो गई। अब दोनों पर एटम आके जुड़ गए तो सेप भी हो गई लीनियर, और एक पर लोन पेयर आ जाए तो भी सेप लीनियर। मान लो हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू रेगुलर ज्योमेट्री, बोलो ट्राइगोनल प्लेनर। बोला करो, क्या तुम्हें तीनों डंडे 120 पे दिखाई पड़ रहे हैं? अगर तीनों डंडों पर एटम आके जुड़ गया तो सेप भी क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन मान लो एक डंडे पे लोन पेयर आ गया तो डंडा हट गया, सेप। बोलो बे, वी सेप, बेंट सेप या एंगुलर। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री चारों डंडे टेट्राहेड्रली ओरिएंट हो गए। बोलो, रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। बोलो, चारों पर एटम आके लग गया तो सेप भी क्या होगी? टेट्रा। अब मान लो एक डंडे पे आ गया लोन पेयर तो वो डंडा सेप। बोलो प्रेम, सेप। बोलो, दो डंडे पे लोन पेयर आ गया, बोलो वी सेप, एंगुलर या बेंट सेप। इज इट क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री डी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, ट्राइगोनल बाई प्रेमडल। पांचों पर एटम लगे हैं तो सेप भी होगी, ट्राइगोनल बाई प्रेमडल। अब मान लो लोन पेयर लगा रहे हैं, पहला क्वेश्चन, लोन पेयर एक्सियल पे लगाओगे या इक्वेटोरियल पर? क्योंकि इक्वेटोरियल पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा, तो लोन पेयर आएगा। बता ना, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर। ये तीन लोन पेयर ट्रिक क्या बताई आपको? सैटेलाइट वन टू थ्री। इज इट क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन बेटा एसपी थ्री डी टू रेगुलर ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर बाई पिरामिडल, बोले तो ऑक्टाहेड्रल। अगर छह स्थानों पर एटम आ गए तो सेप भी होगी ऑक्टाहेड्रल। बेटा यहाँ पे रीजन नहीं बताया, याद करवाया कि लोन पेयर आपका आता है एक्सियल पोजीशन। सुनना बड़ा ध्यान है सब लोग, एक लोन पेयर आया, एक पिरामिड गायब हो गया। बोलो, सेप हो गई स्क्वायर पिरामिड। दो लोन पेयर आ गए, दोनों पिरामिड गायब। बोलो, सेप हो गई स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई डाउट है? कोई डाउट है? अच्छा, जल्दी से सिर्फ एक मिनट दे रहे हैं, सरसरी निगाहों से रिवाइज करो जहां से आज पाया। बस बस 10 मिनट मैं आपके और लूंगा बस, ठीक है? 10 मिनट और लेंगे, लेना पड़ेगा, अभी छोड़ नहीं सकते हैं वरना सीट नहीं लगा पाऊ। ठीक है, 10 मिनट और लेंगे आपके, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। अब इन गेंदों का खेल खत्म हो चुका है, जल्दी से रिवाइज करें। ये क्या हो रहा है? पड़ी पड़ी, कुछ ज्यादा डिफरेंस आ रहा है अंदर बाहर में, इतना डिफरेंस तो नहीं आता है? तो जगह कैमरा कैसे सेट करें?
अच्छा बेटा, आप तुम लोग घर से बैठा लेना यार, तो बहुत ज्यादा लैगिंग हो रही है, मैं लग रहा है थोड़ा ज्यादा नहीं, चले हिला क्यों रहा उसको यार, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, पढ़े पढ़े आराम से पढ़ो, रिवाइज करो, कोई बात नहीं। जरा मोबाइल दिखाओ बेटा, देख कैसा चल रहा है, ऐसे देख लेंगे, खोल के दो यार, अब ठीक चल रहा है। अपने मन से समझिएगा बेटा, याद जिसने किया उसका खेल खत्म, जैसा कि आप जानते हैं बार बार बोल रहा हूं, ओके चलिए लास्ट केस पे आ चुके हैं, सेवन इलेक्ट्रॉन पेयर sp3d3 का केस, रेगुलर ज्योमेट्री होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, इज इट क्लियर, ध्यान से देखेंगे। अब क्या हुआ, ध्यान से लोग सुनना, सातों जगहों पर एटम आके लग गया तो सेप भी हो गई पेंटागोनल बाई पिरामिडल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ला रहे हैं लोन पेयर के केस, मान लो सात में से एक बन गया लोन पेयर, तो एक डंडा ऊपर वाला जस्ट लाइक टू स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक डंडे को हटा दो, सेप बोलो पेंटागोनल पिरामिडल, एक बचेगा, और दो लोन पेयर अगर आ गए तो दोनों डंडे हट गए, सेप बोलो पेंटागोनल प्लेन, दैट्स इट, ओके। देखो बेटा यहां पे सब देखेंगे, इसकी सेप हो जाती है पेंटागोनल पिरामिडल। मैं अपने बच्चों को एक बात और बताना चाहूंगा, ये सेप लेस पॉपुलर है, लेस पॉपुलर, मोर पॉपुलर सेप है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल, ये ध्यान रखना, या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये थोड़ी सी लेस पॉपुलर है, ये ज्यादा पॉपुलर है, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल क्यों पॉपुलर है, वो भी सुन लो, वो भी सुन लो,
ये ज्यादा सही है, सुनना ध्यान देना। अगर ये लोन पेयर ना हो, मैं कहूं ये ई लिख गया है, सुनना बेटा, मान लो किसी के पास लोन पेयर ना हो, सिर्फ छह के छह बॉन्ड पेयर हो, तो इट इज sp3d2, बोले तो ऑक्टा हेड, मतलब ऑक्टा हेडल के पास एक लोन पेयर आ गया, तो नाम बोल देते हैं कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा भाई, ये आपका अगर ध्यान से आप देखें, हर जगह पर ये एटम अगर हो, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती कि नहीं होती? अब ओके, अब इसमें क्या गया, एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर क्या होता है, इसके ऊपर टोपी के जैसा लगा रहता है, बोलो किसके जैसा, टोपी, टोपी, हमने इसको कैप पहना दी, तो नाम हो गया कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। तो छह बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, सेम बेटा क्या हो गई, कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ये लेस पॉपुलर, ये तुमने कैसे बनाया कि एक डंडा तुमने हटा दिया, तो पेंटागोनल पिरामिडल, ये लेस पॉपुलर है, मोर एक्यूरेट होता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, हेलो, हाँ बेटा, ये क्लास चल रही बेटा, मेरा अभी क्लास चल रही, अभी क्लास चल रही है, आधे घंटे बाद कॉल करना। ओके सर, ठीक है, दिस इज पेंटागोनल प्लेनर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों डंडे ऊपर और नीचे वाले हट जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या आ जाएगा, लोन है, पेयर आ जाएगा, तो ये डंडे बेकार हो जाएंगे और सेफ हो जाएगी पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है बेटा, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, पेंटागोनल पिरामिडल इज लेस पॉपुलर, मोर एक्यूरेट इज कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। देखें क्या मेरे छात्र एग्जाम्पल से सहमत है, बताओ, बोलो, छह बॉन्ड पेयर हो गए और आठ में छह गया, बचा दो, दो का मतलब एक लोन पेयर, तो छह और एक सात, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3, ज्योमेट्री हो गई इसकी पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और सेप हो गया इसका कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। देखिए इसका एग्जांपल बता पाओगे, अब हमने लिखा है तो होगा तो सही ही, अब तुम सोचो सही क्यों है, सही क्यों बताओ, एक्स ही है, एक एफ, दो एफ, तीन एफ, चार एफ, पर जिस पर माइनस मारा वो लोन, बोलो दानवीर, आठ में चार चले गए बच्चे, चार, चार का मतलब है दो लोन, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच, पांच बॉन्ड पेयर हो गया और दो हो गए लोन। ओके बेटा, इधर बेटा क्लियर, इसका बड़ा नाम क्या दोगे, AB6L, और इसका बड़ा नाम क्या दोगे, AB5L। इस प्रकार से आज मेरे छात्रों ने वेस्पर थ्योरी को क्या किया, खत्म किया। आप इस चैप्टर के लगभग 60-70% पर पहुंच चुके हो, ये चैप्टर आज आप कह सकते हैं 70-65% क्या हो गया, खत्म हो गया। बस एक मिनट बेटा, आप लोगों ने सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा, फिर आपने उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, फिर आपने लोन पेयर डालकर उसकी शेप को चेंज किया और वेस्पर थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगाया। यहां पर बेटा एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा बनता है,
अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं आइसो स्ट्रक्चरल पेयर, बहुत पॉपुलर सवाल बनता है आईआईटी और नीट के लिए, बहुत आता है सवाल आइसो स्ट्रक्चरल पेयर। आइसो का मतलब सेम, स्ट्रक्चर का मतलब सेम, हैविंग सेम सेम, ध्यान रखना बेटा, खत्म करिए, ज्योमेट्री सेम नहीं, शेप सेम। ऐसे लोग जिनकी शेप सेम होती है उन्हें हम कहते हैं आइसो स्ट्रक्चरल पेयर। ओके, बबड़े क्लियर हो रही है? आप बताइए क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर क्या शेप सेम हो सकता है? नहीं। sp3 टेट्राहेड्रल भी होता है, पिरामिडल भी होता है, एंगुलर भी होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम होने पर शेप सेम हो यह जरूरी नहीं। जिनकी शेप सेम होगी उन्हें आप कहोगे आइसो स्ट्रक्चरल पेयर। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड sp लीनियर, बोलो यार, और एगजी f2 sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, दो बॉन्ड पेयर, तीन लोन पेयर, सैटेलाइट 1 2 3, इसका भी क्या होगा? तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? आइसो स्ट्रक्चरल, जिनका शेप क्या हो बेटा? अगर इसी में हम इसको लिख दें तो ये भी क्या होगा? sp लीनियर, ये भी क्या होंगे आपस में? आइसो स्ट्रक्चरल। जिनकी क्या सेम हो? सेम। हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। इसको मत लिखो यार, एग्जांपल देंगे क्यों मैं सवाल बोला, ये हटाओ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बेटा, विच पेयर इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, विच पेयर इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल, मतलब किसकी शेप सेम है? नहीं है। ऑप्शन है IO3- एंड XeO3। पेन अब ना चला के मुंह जवानी करने का प्रयास करना, इनमें से कौन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है? सिंपल, इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट लगाइए, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और शेप देख लीजिए, विच पेयर इज नॉट आइसो स्ट्रक्चरल। फोर्थ, चलिए पेन चला लीजिए क्योंकि आपको देख के ऐसा लग रहा है कि अभी ल्यूस स्ट्रक्चर में वो स्पीड नहीं है आप लोगों की। ल्यूस स्ट्रक्चर में अगर स्पीड नहीं है तो केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम होगी। आंसर तो बहुत दूर से दिखाई पड़ रहा है, आंसर तो बहुत दूर से दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप आठों लोगों का निकाल कर देखें।
फोर्थ करें, मुंह जवानी करें है कि पेंसिल आए। चलो देखते, आई ओ थ्री माइनस, आई पिकअप द सेंटर, ओ ओ ओ माइनस होगा ओ के ऊपर, दानवी कर्ण सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इज इट क्लियर। सात में पांच चले गए, बचे दो का मतलब एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर है, तीन बॉन्ड पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन बना इसका क्या होगा sp3, और सेफ इसकी होगी पिरामिड, क्या होगी पिरामिड, क्योंकि sp3 में ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर आ गया, सेफ होगी पिरामिड। नेक्स्ट पॉइंट, बगल वाले देखो, एक्सी होती है हवा में, चलो बनाओ एक्सी, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड लो, आठ में छह चले गए, बचे दो, एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, ये भी sp3 होगा और ये भी पिरामिडल होगा, ये तो हो गए आइसो स्ट्रक्चर, हिलाओ नहीं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट BF4 माइनस बी सेंटर, एफ 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 एफ, एक पे माना माइनस, ऑक्टेट पूरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बोरोन थर्ड ग्रुप का है, वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन ही बॉन्ड बना सकता है, कोई प्रॉब्लम, लोन पेयर नहीं, चार बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, चार बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर,